gentlemen, it's time! सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, जीतने की असली वैल्यू। नाना करते प्यार हम इसे कर बैठे। फाइटर संभल जाओ और अपनी मर्दानगी को अपने पास नहीं रखो। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म लाइकर से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं ठीक इसके अपोजिट स्पैन इंडिया फिल्म से अनन्या पांडे साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। फिल्म को पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म को करण जौहर और धर्म प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों, फिल्म बहुत हाइप पे है, हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करे। लेकिन फिल्म का कलेक्शन जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें जिसने काम किया है, जितने एक्टर्स हैं, उन्होंने कितना कलेक्शन किया है इस फिल्म से। तो विजय देवरकोंडा फिल्म के लीड एक्टर, खबरों के अनुसार लाइगर में काम करने के लिए विजय देवरकोंडा ने मोटी रकम चार्ज की है। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने विजय को करीब 35 करोड़ रुपए फीस दिए है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, उन्होंने इस फिल्म के लिए लिया है 3 करोड़ रुपए और ये अनन्या के करियर की तीसरी फिल्म है। माइक टाइसन, इस फिल्म में दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो कैमियो करते दिखेंगे। खबरें हैं कि माइक टाइसन को 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच में ऑफर किया गया है। रोनित रॉय, रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनित रॉय ने इस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। राम्या कृष्णन, खबरों के मुताबिक बाहुबली शिवगामी का कैरेक्टर प्ले करने वाली राम्या कृष्णन लाइगर में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरों के अनुसार इस फिल्म के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए चार्ज किया है। अली, साउथ के मशहूर कॉमेडियन अली ने इस फिल्म के लिए 85 लाख रुपीज चार्ज किया है। विशु रेड्डी, एक्टर विशु रेड्डी फिल्म में दमदार किरदार निभाते नजर आएंगे। खबरों के अनुसार उन्होंने 60 लाख रुपए बतौर फीस चार्ज किया है। मरकन देश पांडे, एक्टर मरकन देश पांडे ने फिल्म लाइगर में काम करने के लिए 40 लाख रुपए फीस ली है। मतलब अब तो एक्टर की जेब में पैसे चले गए, अब बारी है फिल्म के प्रोड्यूसर की जेब में पैसे जाने की। बहुत जल्द ये फिल्म, लगभग 5 ही दिनों के अंदर ये फिल्म रिलीज होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि ये फिल्म पहले रिलीज हो, उससे पहले ही खबरें हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है। दोस्तों, विजय देवरकोंडा तेलुगु हिंदी लैंग्वेज की लाइगर के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जो 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। देखा जाए तो लोगों को काफी अट्रैक्ट किया है विजय ने, और सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म में वो एक युवा स्टार के तौर पर नजर आए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और इसीलिए एक मीडिया इंटरव्यू में बातचीत करते हुए विजय ने बताया कि वो इस फिल्म का सीक्वल भी ला सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट ने जब उनसे पूछा कि क्या सीक्वल मिलने की संभावना है लाइगर का, उन्होंने कहा हाँ, बहुत तक मुमकिन है कि होगा। हालांकि आगे की प्लानिंग लाइगर 2 को लेकर उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, उन्होंने उसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया। दोस्तों, फिल्म के लिए सभी एक्साइटेड है, सभी लाइगर को देखना चाहते हैं, और सबको पता है कि ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है, यानी कि 5 दिन बाद। लेकिन ये सब डिपेंड करता है लाइगर 2 या उसका सीक्वल डिपेंड करता है इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि लाइगर यानी कि विजय के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड के, लेकिन वो इस टाइम वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है तो वो बाकी आगे के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इम्पैक्ट देने में कामयाब नहीं हो पाई, इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुई, तो शायद ही वो बॉलीवुड में आगे काम करें। मतलब आगे बॉलीवुड में इनका करियर क्या होगा, ये डिपेंड करेगी इस फिल्म के कलेक्शन पर और परफॉर्मेंस पर। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, देखा जाए जिसका डर था मुझे वही हुआ। इन दोनों साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपने बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लाइगर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म में एक्ट्रेस अनन्या पांडे लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। मतलब एक तरफ जहां विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी फिल्म लाइगर को लेकर बहुत एक्साइटेड है, वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ बायकॉट लाइगर मूवी ट्रेंड करने लगा है। जी हां, बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर कई फिल्मों का बायकॉट ट्रेंड करने लगा, अब उनमें फिल्म लाइगर का भी नाम शामिल हो गया है। खास बात यह कि बायकॉट लाइगर मूवी ट्रेंड शुरू हुआ जब विजय देवरकोंडा ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट किया। उन्होंने बीते दिनों फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध करने वालों को लेकर अपने एक इंटरव्यू में रिएक्शन दिए, साथ ही आमिर खान की फिल्म का सपोर्ट किया।
इसके बाद शनिवार को ट्विटर पर बॉयकॉट लाइगर मूवी के साथ विजय देवरकोंडा की फिल्म का भी विरोध करने लगे लोग। विजय देवरकोंडा ने जब से आमिर खान के फिल्म के समर्थन में बात की और कहा है कि बॉयकॉट ट्रेंड पर फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान नहीं देना चाहिए, तब से सोशल मीडिया पर उनका और उनकी फिल्म लाइगर का विरोध होने लगा। न केवल उनका वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन्हें हमारी फिल्म देखना है देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना है वो टीवी या फिर मोबाइल पर देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है जिसमें लाइगर के प्रमोशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनन्या पांडे के साथ बैठे विजय अपने पैरों को उठाकर सामने टेबल पर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ विजय देवरकोंडा को सलाह दी जा रही कि वो अपना घमंड न दिखाएं और विनम्र बने। कई लोगों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में विजय का एटीट्यूड बहुत बढ़ गया है। कई लोग फिल्म के बायकॉट के लिए प्रोड्यूसर करण जौहर की बात करें तो कुछ लोग फिल्म की हीरोइन अनन्या पांडे को नेपो किड बताते हुए फिल्म का बहिष्कार को सही बता रहे। लेकिन इन बातों से किसी को नुकसान होगा तो वो है विजय देवरकोंडा। बॉलीवुड में ये उनका डेब्यू है जबकि साउथ में उन्होंने एक साइड आर्टिस्ट से लेकर सुपरस्टार तक का सफलता तय किया हुआ है। साउथ में वो विनम्र व्यक्ति माने जाते हैं जिसने स्टारडम को अपने आसपास भटकने नहीं दिया। विजय देवरकोंडा साउथ में मीडिया के लिए हमेशा सहजता से उपलब्ध होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि पैन इंडिया स्टार बनने के बाद आपके साथ बात करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों लोगों को लग रहा है कि विजय के अंदर एटीट्यूड आ गया है और इसीलिए और बहुत से रीजंस की वजह से वो फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स के ऊपर। तो एक है विकास बल, इन्होंने लिखा है इट्स अनदर बायकॉट ऑफ बॉलीवुड मूवी लाइगर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर प्रोडक्शन, स्टार्ट योर बायकॉट बॉलीवुड हैशटैग अगेन बायकॉट लाइगर मूवी। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा हैशटैग बायकॉट लाइगर मूवी इट्स धर्मा प्रोडक्शन, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद डिस्ट्रक्टिव नेपोटिज्म then you must boycott it. तीसरे यूजर है रुद्रा भा, इन्होंने लिखा I support boycott Liger movies. Yes, let me reiterate that I support boycott of Liger movie because of the director and indirect connection of people from the Bollywood like Karan Johar, Salman Khan and Ananya Pandey. Also because I support boycott Bollywood forever and everywhere. AB यूजर ने लिखा I did this. Can you boycott Liger movie? Hashtag Vijay Devarkonda, hashtag boycott Bollywood, hashtag boycott Dobara. इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है अनफॉलो करते हुए विजय देवरकोंडा को। दूसरे यूजर है, इन्होंने तो अपना नाम ही बदल दिया है, ट्विटर पर लिखा है boycott Bollywood completely. इन्होंने क्या लिखा है डोंट शो arrogance, be humble and respect audience. Hashtag boycott Liger movie, boycott Dobara, boycott Liger, boycott Bollywood. Hashtag तापसी पन्नू अनुराग कश्यप, शमशेरा दोबारा लाइगर। तो दोस्तों अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका गुस्सा तो किसी और फिल्म पर था लेकिन अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया है लाइगर पर, क्योंकि इनडायरेक्टली वो जुड़े हैं करण जौहर से, सलमान खान से, नेपोटिज्म से, सबसे बड़ी बात बॉलीवुड से। और करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करे तो लोग करण जौहर से तो हमेशा नाराज होते ही है। हो सकता है कि सबसे मेन बड़ा जो रीजन है वो करण जौहर हो। वेल, अब देखना होगा कि इस बायकॉट की वजह से फिल्म के परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है, क्या लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अभी टाइम है 2-3 दिन है, या फिर इसका भी हाल होगा लाल सिंह चड्ढा की तरह। वेल, आपको क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। टाइगर की प्रमोशन को लेकर काफी विवाद चल रहे हैं। फिल्म में एक्टर के साथ अनन्या पांडे रोमांस करती नजर आएंगी। दोनों स्टार्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में कई इवेंट्स का हिस्सा हैं, साथ ही कई वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं। हाल ही में विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर अपनी बात रखी, जिसके दौरान उन्होंने कई बातें कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बॉयकॉट के डर से क्या वो अपनी फिल्में रिलीज़ करना ही बंद कर दें। विजय देवरकोंडा के स्टेटमेंट के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। इसके बाद अब अपने हाल के एक इंटरव्यू में विजय देवरकोंडा ने एक बार इस बारे में बात करते हुए कहा उनको इन बातों से डर नहीं लगता। विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान कहा उन्होंने करण जौहर, चार्मे कौर, पूरी जगन्नाथ और फिल्म की पूरी टीम के बाकी लोगों ने कोविड के दौरान इस फिल्म को बनाया, पूरे 3 साल की कड़ी मेहनत है। 3 साल पहले साल 2019 में हमने इस फिल्म की शुरुआत की, उस टाइम बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं था,
ये सब लॉकडाउन में शुरू हुआ और हम उस वक्त शूटिंग खत्म कर चुके थे। उस समय हमें लगा कि हमारी फिल्म को पूरे भारत में ले जाने के लिए करण जौहर ही सबसे बेहतर हैं, इसीलिए हमने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी से अपनाया और कहा कि वो पैन इंडिया से रिलीज़ करेंगे, नॉर्थ में रिलीज़ करेंगे। इसके बाद विजय ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या मैटर चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ, चारमे का जन्म पंजाब में हुआ, पूरी सर नरसिंहपट्टनम के जन्मे हुए हैं, अब हम क्या अपनी फिल्में बनाना छोड़ दें, घर में बैठ जाएं। साथ ही विजय ने कहा कि मैं उस ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहा हूँ जो मुझे प्यार करती है और हमेशा मेरा साथ दिया है, जो घर पर बैठे लैपटॉप पर ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं, मैं उनके लिए फिल्में नहीं बना रहा हूँ। अब स्टेटमेंट के बाद देखना होगा कि ट्रोलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे और विजय देवकोंडा की लाइगर को भी बॉयकॉट करने लगेंगे। कैसा रहा लाइगर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो? क्या फैंस हो गए विजय से डिसअपॉइंटेड? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के फैंस को आज के दिन यानी 25 अगस्त का इंतजार एक लंबे अरसे से था और इसके पीछे की खास वजह थी विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाइगर, जो आज सिनेमा हॉल में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने थिएटर में आने से पहले ही काफी बड़ा बज क्रिएट कर दिया था। दोस्तों, लोगों को विजय और अनन्या की केमिस्ट्री, फिल्म के गाने, सब कुछ काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। लाइगर और उसकी कास्ट से रिलेटेड हर एक चीज अभी तक सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही थी, चाहे वो विजय और अनन्या का लोकल ट्रेन में सफर करना हो या उनके फिल्म के लिए रखी गई पूजा। फैंस को उम्मीद थी कि ये फिल्म उनके लिए जरूर ही कुछ नया लेकर आएगी, लेकिन आज जब फिल्म रिलीज हुई तो कुछ फैंस के चेहरे उदास हो गए। जी हाँ, लाइगर ने फैंस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। फिल्म के फर्स्ट शो के बाद फैंस के मिले जुले रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म लाइगर काफी पसंद आई तो कुछ ने इसे पहले ही शो में ठंडी फिल्म बता दिया। एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का रिव्यू देते हुए उसे आउटस्टैंडिंग बताया। यूजर ने लिखा है कि ये फिल्म एक मास एंटरटेनर फिल्म है जिसमें विजय अपने एक्शन सीक्वेंसेस में काफी कूल लग रहे हैं, क्लाइमेक्स एक्सलेंट है, ओवरऑल फिल्म मास ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। वही दूसरे यूजर ने फिल्म को 3.5 की रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म के फेक रिव्यूज पर ध्यान ना दे, ये फिल्म फाइटिंग सीन्स के साथ एक आउटस्टैंडिंग फिल्म है। इसमें विजय सर का पावरफुल परफॉर्मेंस अलग लेवल का है। इसके बाद अगर खराब रिव्यूज की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। फिल्म के एक्शन सीन्स पसंद आए, लव ट्रैक अपना जादू चला नहीं पाया। दोस्तों, एक यूजर ने अपना रिव्यू देते हुए ये कहा कि इंटरवल में दिखाया गया घोस्ट का ट्रेलर इस फिल्म से ज्यादा अच्छा था। तो वहीं दूसरे यूजर ने फिल्म को 2 की रेटिंग देकर फिल्म में अनवांटेड सीन्स और खराब स्क्रीन प्ले होने की बात कही। दोस्तों, एक यूजर को फिल्म के फाइटिंग सीन्स फेक लगे। यूजर ने अपने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर करते हुए विजय के फाइटिंग सीन्स को फेक बता दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि फिल्म में अनन्या पांडे का होना और ना होना एक बराबर है। दोस्तों, आगे आपको बताते चलें कि खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले उमेर संधू ने भी फिल्म के लिए अपने रिव्यूज दिए। उन्होंने लाइगर को सीटी मार एंटरटेनमेंट फिल्म कहा है। विजय देवरकोंडा को अकेले ऐसा शख्स बताया है जिसने फिल्म की पूरी लाइमलाइट चुरा ली। साथ ही विजय की मां के रोल को अदा करने वाली रमाया कृष्णन को सरप्राइज पैकेज उन्होंने बताया है और 3 स्टार्स दिए हैं। कल फिल्म रिलीज से पहले नानी और चिरंजीवी जैसे स्टार ने विजय देवरकोंडा को उनकी फिल्म के लिए बेस्ट विशेस दिए और साथ ही अगस्त मंथ को तेलुगु फिल्मों के लिए सबसे खास बताया। दोस्तों, ये फिल्म एक हकलाते किक बॉक्सर की कहानी है जिसे विजय को मुंबई के अंडरडॉग फाइटर के रोल में दिखाया गया है। अनन्या पांडे ने विजय की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया है। फिल्म में बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन भी एक कैमियो रोल करते हुए नजर आए हैं। आज रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीद है कि ये अपने ओपनिंग डे पर
2 से 3 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लेगी। इसी के साथ अभी से ही फिल्म के सीक्वल आने की भी खबरों ने जोर पकड़ लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म पिछले कुछ वक्त से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं। सभी सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, जीतने की असली वैल्यू। क्या विजय देवकोंडा ने की लाइगर 2 की कंफर्मेशन? क्या लाइगर मचाएगी बॉक्स ऑफिस पर तहलका? क्या विजय को न्यूर देखना चाहती है अनन्या पांडे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अनन्या पांडे की लाइगर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में साउथ में वो पहुंची और उन्होंने अपनी स्पीच भी साउथ में दी और साउथ इंडियन ऑडियंस का दिल जीत लिया। अब लगता है कि साउथ इंडियन ऑडियंस उनसे जुड़ा महसूस कर रही है और जल्द ही उनकी फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन एक पोस्टर में न्यू नजर आए थे। ऐसे में अनन्या पांडे ने कहा, मैं विजय को थोड़ा बहुत न्यू लाइगर में देख चुकी हूँ, आखिर कौन नहीं देखना चाहता। आपको बता दें, विजय देवकोंडा ने फिल्म लाइगर के पोस्टर में न्यूड पोज दिया था, इस पर बवाल भी मचा। अनन्या के साथ लाइगर में नजर आएंगे विजय और बॉलीवुड में उनकी ये शुरुआत है। साथ ही अनन्या ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें पूरा न्यूड देखने में। आपको बता दें, फिल्म में विजय एक किक बॉक्सर की भूमिका में है जो मुंबई में चाय वाला से एक मुक्केबाज बन जाता है। ये फिल्म 25 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। वहीं आपको बता दें कि लाइगर अभी रिलीज भी नहीं हुई है और लाइगर 2 की चर्चा है और इस पर कंफर्मेशन भी दे दी है विजय देवकोंडा ने। उन्होंने कहा कि लाइगर 2 भी वो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है लाइगर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। सभी सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्योंकि वो ही जानता है जीतने की असली वैल्यू। विजय देवकोंडा अपनी लव लाइफ को क्यों रखते हैं सीक्रेट? किस खूबसूरत एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट? कौन कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का क्रश है विजय? क्या अर्जुन रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे लाइगर से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय देवकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर की वजह से सुर्खियों में है। इस फिल्म में विजय एक स्ट्रीट फाइटर के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म से विजय अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले विजय फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 7 में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। शो के एक सेगमेंट में विजय से करण ने पूछा कि वो अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्यों शेयर नहीं करते, तो इस बात पर उन्होंने सस्पेंस क्यों बनाकर रखा। शो के एक सेगमेंट में जब विजय से करण ने पूछा कि वो अपना रिलेशनशिप स्टेटस क्यों जाहिर नहीं करते और इस बात पर सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं, विजय ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिस दिन मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं जोर जोर से चिल्ला कर बताऊंगा।
तब तक मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। विजय ने आगे कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बतौर एक्टर मुझे बहुत प्यार देते हैं। उन्होंने घर में मेरी दीवारों पर तस्वीरें लगाई हैं, अपने फ़ोन में वॉलपेपर सेव किए हैं। मैं उन लोगों का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? तो बहुत ही क्यूट आंसर विजय ने दिया। आपको बता दें, विजय बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के क्रश भी हैं, जिनमें जानवी कपूर से लेकर सारा अली खान तक शामिल है। वहीं दोस्तों, मौजूदा टाइम की बात करें तो विजय एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को डेट कर रहे हैं। कई बार इन्हें साथ में स्पॉट किया जाता है और इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता है। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं करते। इसके अलावा विजय देवकोंडा आजकल अनन्या पांडे के साथ खूब नजर आ रहे हैं, क्योंकि चल रहा है लाइगर का प्रमोशन और विजय जिस सिंपल अंदाज में नजर आ रहे प्रमोशनल इवेंट्स में, वो लोगों के दिलों को छू रहा है। चप्पल, नॉर्मल सी टी शर्ट, पैंट पहन के आ रहे हैं, तब भी हैंडसम और स्टनिंग लग रहे हैं। आपको बता दें, लाइगर फिल्म की बात करें तो इसका बजट लगभग 80 करोड़ है। अब देखना होगा कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी। क्या विजय देवकोंडा की लाइगर तोड़ पाएगी अर्जुन रेड्डी का रिकॉर्ड? अर्जुन रेड्डी की बात करें तो इसने 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब आने वाला टाइम बताएगा कि बॉक्सर वाली इस फिल्म में क्या विजय बन पाएंगे बॉक्स ऑफिस के मसीहा? आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कौन है लाइगर फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा? कैसे विजय ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की? क्या सिर्फ एक्टर ही बनना चाहते थे विजय? किस फिल्म से उनका नाम हुआ और उन्हें फिल्में मिलने लगी? लाइगर के लिए विजय ही क्यों, टाइगर श्रॉफ या अक्षय कुमार क्यों नहीं, या फिर कोई और बॉलीवुड एक्टर क्यों नहीं? जानेंगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, लाइगर जिसने चारों तरफ शोर मचा रखा है, यह फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में हमें विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन और रोनित रॉय जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन्नाथ पुरी ने, जो जाने जाते हैं अपनी तमिल फिल्मों के लिए। जगन्नाथ ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि शिवामी, पोकरी, गोलीमार, बिजनेसमैन, हार्ट अटैक, टेम्पर और आई स्मार्ट शंकर। वहीं इन्होंने 2004 में बॉलीवुड डायरेक्टोरियल डेब्यू किया फिल्म शर्त दी चैलेंज से, जिसमें नजर आए थे तुषार कपूर। उसके बाद 2011 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था बुढ़ा होगा तेरा बाप, जिसमें टोटली हमें साउथ टच देखने को मिला था। दोस्तों, देखा जाए तो ये पहली बार है जब किसी साउथ स्टार की डेब्यू फिल्म को लेकर इतना हाइप बना हुआ है। मतलब कि ऐसे बहुत से साउथ एक्टर हैं जिन्होंने डेब्यू किया, लेकिन वो कब आए और कब गए किसी को पता भी नहीं चला। इतनी हाइप तो किसी को नहीं मिली। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक्टर किसी से कम थे, स्टारडम, फैन फॉलोइंग, एक्टिंग सब कुछ जबरदस्त, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी हाइप नहीं मिली। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जैसे कि चियान विक्रम, साउथ के जाने माने एक्टर। आई फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, इरुमुगन देखी होगी, अपरिचित देखी होगी। जी हाँ, ये वही एक्टर है चियान विक्रम। इन्होंने साल 2010 में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन स्टार और फिल्म रावण मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मणिरत्नम डायरेक्टेड ये मूवी महाकाव्य रामायण की जड़ का अनुसार करता है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने इस महाकाव्य को अपने नजरिए से पेश की थी। बावजूद इसके ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और इस वजह से लोगों ने चियान विक्रम के हिंदी डेब्यू और एक्टिंग स्किल्स को नोटिस नहीं किया। रामचरण, आज इनको तो सभी जानते हैं, रामचरण जिनकी फिल्म थी ट्रिपल आर जो बहुत सक्सेस रही। इस फिल्म में उनके को-स्टार जूनियर एनटीआर के साथ कई रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि रामचरण ने साल 2013 में आई फिल्म जंजीर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये साल 1973 में आई इसी नाम की हिंदी फिल्म की रिमेक थी। इस रिमेक फिल्म में रामचरण के साथ प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त भी नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 3 है सूर्या। अभी साउथ के सुपरहिट देने वाले मशीन माने जाते हैं। इनके फिल्म सिंघम, जय भीम, एनजीके, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी होगी और पसंद भी किया होगा।
सूर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। सूर्या ने साल 2010 में आई फिल्म रक्षा 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राम गोपाल वर्मा द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय, सुदीप और प्रिया मणि के साथ सूर्या भी नजर आए थे। हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और सूर्या की एक्टिंग स्किल्स को लोगों ने नोटिस नहीं किया। इसके बाद वो किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए। नंबर 4 पे है तमन्ना भाटिया। बाहुबली, बाहुबली 2, F2, F3, KGF ऐसी बहुत सी फिल्मों में आपने उन्हें तो देखा होगा, लेकिन उनके बॉलीवुड फिल्म को बॉलीवुड डेब्यू पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। दोस्तों, साउथ सिनेमा में बड़ा नाम कमाने से पहले तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड फिल्म जान सा रोशन चेहरा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस मूवी को शाबाश शस्मी ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और इसमें समीर अफ्ताब लीड रोल में थे। ये मूवी जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से चली भी गई। पर काफी लोग अभी भी ये मानते हैं कि तमन्ना ने अजीत देवगन के अपोजिट साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला से डेब्यू किया था बॉलीवुड में। नंबर 5 पे है पृथ्वीराज। ये कमाल की फिल्में करते हैं और साउथ में इनका बहुत बड़ा नाम है। काफी बज और उम्मीदों के बीच मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी पहले हिंदी फिल्म अय्या में फीचर हुए थे। इनके अपोजिट रानी मुखर्जी थी। इस मूवी को सचिन कुंदलकर ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। काफी उम्मीदों के बावजूद ये मूवी निराशजनक साबित हुई थी और एक्टर का इसमें कुछ खास रोल नहीं था। नंबर 6 मोहनलाल। मोहनलाल साउथ के सबसे बड़े और सबसे प्यारे जाने वाले एक्टर्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू राम गोपाल वर्मा की मूवी डी कंपनी से किया था। इसके बाद एक्टर उनके कई प्रोजेक्ट्स जैसे राम गोपाल वर्मा की आग और तीज में दिखाई दिए, लेकिन वो बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिन्हें उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। नंबर 7 है अजीत कुमार। अजीत कुमार आज के समय में किसी पर्चे का मोहताज नहीं। उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू शाहरुख खान के साथ मूवी अशोका से किया था। उन्हें बॉलीवुड में इस फिल्म से कोई पहचान नहीं मिली और ये उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी, लेकिन साउथ में उनका जलवा आज भी बरकरार है। लेकिन इस समय ऐसा क्या हुआ कि आते ही ये पॉपुलर हो गए विजय देवरकोंडा? वैसे तो इसके बहुत से रीजन है, लेकिन मेन 3 रीजन क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे है साउथ क्रेज। दोस्तों, 2000 के बाद बॉलीवुड में फिल्में तो बन रही थी, लेकिन कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था लोगों को, ऑडियंस को। वही साउथ इंडस्ट्री हर फिल्म में, हर मायने में धीरे धीरे आगे निकल रही थी। चाहे उनकी फिल्मों की स्टोरी लाइन हो, फिल्मों का कॉन्सेप्ट हो, हीरो की एक्टिंग हो, एक्शन हो, सब कुछ बदल रहा था और ये चीजें लोगों को पसंद आ रही थी। लोग इंजॉय कर रहे थे और अपने आप को खुद से उनसे कनेक्ट कर रहे थे। साउथ का क्रेज लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा था और बीच में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने फैंस के उस क्रेजीनेस को सातवें आसमान पर बिठा दिया, जैसे कि बाहुबली, रोबोट, मक्की, विक्रम वेदा, ऐसी बहुत सी फिल्में आई। और इन फिल्मों की वजह से वहां के एक्टर्स लोगों के दिलों में बसने लगे और अपनी एक अलग छाप छोड़ने लगे लोगों के दिलों में। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या, जिसने असल में काम किया, साउथ इंडस्ट्री को घर घर पहुंचाया, जी हां, जैसे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, यश की फिल्म केजीएफ केजीएफ चैप्टर 2, रामचरण एनटीआर की फिल्म RRR, ये वो फिल्में थी जिसने साउथ इंडस्ट्री को, साउथ के एक्टर्स को ग्लोबल लेवल पर हिट किया। मतलब अब हाल ये हो गया कि जब भी किसी साउथ फिल्म की अनाउंसमेंट होती है या खबर आती है कि हाँ कोई एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है, तो लोगों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इन फिल्मों की वजह से जो एक इमेज बन गई है साउथ इंडस्ट्री की, साउथ के एक्टर्स की, वो सारा उस एक्टर पर शिफ्ट हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है विजय की पॉपुलैरिटी का। नंबर 2, रोमांटिक इमेज, या कहे कि लवर बॉय इमेज। विजय ने मैक्सिमम रोमांटिक फिल्में की है जो यूथ को बहुत पसंद आई। उनकी अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदा, कॉमरेड, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इनकी इमेज एक लवर बॉय की है। और ये जिसके साथ भी आते हैं, इनकी केमिस्ट्री कमाल की होती है बड़े पर्दे पर, लोगों को बहुत पसंद आती है। इनकी बाकी की फिल्मों की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं और यही वजह है कि हिंदी में इनकी फैन फॉलोइंग किसी से कम नहीं है। नंबर 3, साउथ फिल्मों की कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, करण जौहर बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत स्मार्ट है, उन्हें पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है। मतलब जहां आजकल बॉलीवुड में चारों तरफ बायकॉट का अभियान चल रहा है, बॉलीवुड का हर एक्टर इस लिस्ट में शामिल है और इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है, लेकिन साउथ की फिल्मों का वहां के एक्टर्स का बायकॉट नहीं हो रहा। वहां की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही और आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं और इसका फायदा उठाया है करण जौहर ने। ये बात करण बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए उन्होंने एक दाव खेला, साउथ के एक्टर को अपनी फिल्म में लिया, यानी कि विजय देवरकोंडा को। विजय जो कि बहुत फेमस है यूथ में, उनकी फिल्में बहुत चलती है यूथ के बीच, इसीलिए करण ने एक बड़ा दाव खेला, अपनी फिल्म में लिया।
अब इस फिल्म की वजह से और विजय की वजह से दो चीजें होंगी। पहली बात की करण का बॉक्स ऑफिस पर नाम होगा, ये फिल्म बॉलीवुड के साथ साउथ में भी कामयाब होगी। दूसरी बात की यूथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे विजय देवरकोंडा, तो चारों तरफ करण की वाहवाही होगी और उनका डंका बजेगा। वेल दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन विजय देवरकोंडा है कौन, कहाँ से आए हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में पहली फिल्म कर रहे हैं, लेकिन साउथ में ये बहुत पॉपुलर हैं। एक राउडी मॉडल और स्टाइलिश कहे जाने वाले साउथ के फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर लाखों लोगों का दिल जीता और उन पर राज करते हैं। अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्म करने के बाद विजय की किस्मत चमक गई और आगे चलकर इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें गीता गोविंदा, डियर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर आदि जैसी बहुत सी फिल्में शामिल है। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत होती है उनके बचपन से। विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे, क्योंकि उनके 10th तक की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। उस समय उनके पास टेलीविजन और स्मार्टफोन जैसी चीजें नहीं थी, जिसे वो अपने ज्यादातर टाइम खेल कूद और पढ़ाई में बिताते। हालांकि 10वीं क्लास के बाद से विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो वापस हैदराबाद आ गए। यहाँ आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि उनका मन पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे हटने लगा और इसी वजह से 12th के बाद उन्होंने कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन लिया। तब वो क्लास अटेंड करने बहुत कम जाते थे। इन सबको देखते हुए उनके पिता ने गुस्से में कहा कि घर बैठे बैठे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब भी विजय ने गुस्से में दिया और वापस अपने पिता को कह दिया कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरा घर बैठना, तो फिर न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवा देते। वैसे यहाँ पर तो विजय ने यूं ही गुस्से में कह दिया, लेकिन विजय के पिता ने काफी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटे मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, लेकिन फिर भी पास ही एक थिएटर ग्रुप है, मैं तुम्हें वहां जरूर भेज सकता हूं। और फिर अपने पिता की बात को मानते हुए विजय ने उस थिएटर ग्रुप से एक्टिंग करना शुरू कर दिया, एक्टिंग सीखा। एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ नाटकों में काम किया। विजय ने एक्टिंग सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम मिलना बाकी था और इसीलिए उन्होंने एंटोनियम में काम किया। हालांकि विजय देवरकोंडा को 2011 के फिल्म नौविल्ला में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में कामयाब तो नहीं हो सकी। साथ ही उन्हें 4 साल तक किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला। इस दौर में विजय ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बेहतर करने में ही पूरा समय बिताने लगे। साथ ही काम के खोज में जब वो घर से दूर रहते थे, तब एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास रूम रेंट देने भर का पैसा नहीं था और इसी वजह से उन्होंने दूसरे करियर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच 2015 में एक फिल्म आई, येवाड़े सुब्रमण्यम, जिसमें उनका एक सपोर्टिंग रोल था। इस मूवी में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे। यहां तक कि 2017 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी में भी उनका कान संदीप रेड्डी वांगा ने येवाड़े सुब्रमण्यम को ही देख कर दिया था। इसके बाद क्या था, उनके पास फिल्मों की लाइन लगी और एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म देते गए। धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। खास बात है कि उनकी यूथ में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और करण जौहर सबसे शार्प माइंड माने जाते हैं। वो बहुत सोच समझकर किसी भी एक्टर पर पैसा लगाते हैं। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने अर्जुन रेड्डी का रिमेक बनाने का सोचा। जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी वर्जन तैयार किया, तब ये मूवी ना केवल सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी वर्जन के लिए भी सबसे पहले विजय देवरकोंडा ही को अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये मूवी शाहिद कपूर को ऑफर की गई। ये फिल्म बॉलीवुड में कबीर सिंह के नाम से रिलीज की गई और बाकी की कहानी आप लोगों को पता ही है कि बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ। हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से विजय भी काफी फेमस हो गए और कबीर सिंह की वजह से वो साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे इंडिया में उनकी एक अलग पहचान बन गई और आज उसके बाद सब जानते हैं विजय देवरकोंडा को। अब इनकी फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। हालांकि उनके पास ऑफर्स की लाइन लगी हुई है बॉलीवुड फिल्मों की, लेकिन वो इस समय वेट एंड वॉच पोजीशन में है। वो जानना चाहते हैं कि इस फिल्म का क्या होता है, उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट साइन करेंगे। वेल आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस फिल्म का, पास या फेल? और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है।
वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, जीतने की असली वैल्यू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे इस समय अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म लाइगर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म से जहां एक तरफ विजय बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, वहीं अनन्या, खास बात तो यह है कि पहले ये रोल जानवी कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स न होने की वजह से वो फिल्म में शामिल नहीं हो पाई और सेकेंड ऑप्शन के तौर पर अनन्या पांडे को फिल्म में लिया गया। अब विजय और अनन्या की एक्टिंग से सजी इस फिल्म के दुनिया भर में रिलीज होने में लगभग 2 हफ्ते का समय रह गया। विजय की ये स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यहाँ तक कि पूरी टीम इसके प्रमोशन में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में जहाँ टीम जगह जगह प्रमोशन करने पहुंची, वहीं इस फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है और वो खबर सभी को चौंका देगी। जी हाँ, लाइगर के डायरेक्शन पूरी जगह ना तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी इस अपकमिंग फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसके साथ साथ डायरेक्टर फिल्म को लेकर काफी अस्वस्थ भी है और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स को फिल्म ने रिलीज से पहले ही फायदा देना शुरू कर दिया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में लाइगर ओवरसीज थिएटरिकल राइट्स को सारेगामा सिनेमा ने 8 करोड़ की भारी भरकम राशि में खरीद लिया है। ये विजय देवरकोंडा और पूरी जगन्नाथ दोनों के करियर में अब तक के सबसे महंगे बिके राइट्स है। अगर हम बात करें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के कलेक्शन के बारे में या ऑक्यूपेंसी या प्रोडक्शन के बारे में, तो खबरें हैं कि ये फिल्म पूरे देश में 82 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और इन 82 करोड़ में से 10 करोड़ का बिजनेस करेगी सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट में। देखा जाए दोस्तों तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हिंदी के प्रमोशन पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं और हिंदी दर्शकों के बीच इस फिल्म की चर्चा भी काफी देखने को मिल रही है। सभी लोग विजय और अनन्या को साथ में काम करते देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी लाइगर में विजय और अनन्या के अलावा राम्या कृष्णन भी अहम किरदार में नजर आएंगे और बॉलीवुड के जाने माने विलन, जी हाँ, रोनित रॉय भी फिल्म में नजर आएंगे। दोस्तों, पूरी जगन्नाथ जो जाने जाते हैं अपने तमिल फिल्मों के लिए, इन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। आपने देखी होगी आयुष्मान शंकर, बिजनेसमैन, टेंपर, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सी धमाकेदार फिल्मों में काम किया इन्होंने। वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो इन्होंने अब तक बॉलीवुड में 2 फिल्में की है। 2004 में इन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया तुषार कपूर के साथ और उसके बाद इन्होंने एक फिल्म की बुढ़ा होगा तेरा बाप अमिताभ बच्चन के साथ। आप लोगों ने फिल्म तो देखी होगी, क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म है और फिल्म देखने से ही लगता है कि ये साउथ की ही फिल्म है। अब इन 2 फिल्मों के अलावा ये 3री फिल्म होगी पूरी जगन्नाथ की जो हिंदी में रिलीज होने वाली है। अब ये तिगड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी धमाकेदार साबित होती है, क्योंकि बाकी की 2 फिल्में इनकी बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफल नहीं हो पाई थी। ये 3री फिल्म है लाइगर। लाइगर दोस्तों, आप लोगों को पता हो या ना हो, बता दूं कि ये मिक्स ब्रीड का नाम है। लाइगर मतलब मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के क्रॉसिंग की वजह से ये नाम पड़ता है उसके बच्चे का लाइगर। लेकिन पहले फिल्म का नाम लाइगर नहीं था बल्कि था फाइटर और फिल्म की शूटिंग 50% फाइटर के नाम से हुई। मतलब 2020 में अगर कोविड नहीं आया होता तो ये फिल्म फाइटर के नाम से ऑलरेडी रिलीज हो गई होती। दोस्तों, लाइगर जो कि एक साथ 2 लैंग्वेज में शूट हो रही है, तेलुगु और हिंदी, और देखा जाए तो आजकल ये बहुत ही रीति रिवाज से चल रहा है 2 लैंग्वेज में एक साथ शूट करने का। अब ऐसी बहुत सी फिल्में आ गई हैं मार्केट में जो एक साथ 2 लैंग्वेज में शूट हुई और अभी हाल फिलहाल की बात कर ले तो नंबी नारायण है, वो भी एक साथ 2 लैंग्वेज में शूट की गई, एक हिंदी तो दूसरी तमिल। वहीं फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने के लिए कई लैंग्वेज में डब किया जाएगा, जैसे कि तमिल में, कन्नड़ में और मलयालम में। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन, उनके साथ इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ और अपूर्वा मेहता भी प्रोड्यूस कर रही हैं। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितने करोड़ों का कलेक्शन करेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सब ये सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। क्या वे
विजय देवकोंडा लाइगर से पैन इंडिया मचा पाएंगे तहलका। क्या सामने आया मूवी का फर्स्ट रिव्यू, क्या कहता है सेंसर रूम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार विजय देवकोंडा की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म लाइगर का फर्स्ट रिव्यू सामने आया है। सभी की नजर इस फिल्म पर है। डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में ये बनी फिल्म है और एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय देवकोंडा एक बॉक्सर के रोल में है। फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया गया है जिसे ऑडियंस का खासा प्यार मिला। ये फिल्म 25 अगस्त के दिन सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने की तैयारी में है। इससे पहले इस फिल्म का पहला रिव्यू सीधे सेंसर बोर्ड रूम से सामने आया है जिसे पढ़ने के बाद फैंस भी खुश हो चुके हैं। आपको बता दें, सेंसर रूम से सामने आया फिल्म का रिव्यू ये दावा करता है कि ये फिल्म विजय देवकोंडा की पैन इंडिया रिलीज के लिए एकदम परफेक्ट बनी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट। फिल्म का पहला हाफ 1 घंटे 15 मिनट का है, दूसरा हाफ है 1 घंटे 5 मिनट का। फिल्म में कुछ शानदार मोमेंट्स है जिसमें धमाकेदार एक्शन और गाने भी है। विजय देवकोंडा का बॉक्सर वाला अवतार सभी को पसंद आएगा। फिल्म में टोटल 6 गाने हैं। फिल्म का म्यूजिक भी काफी शानदार है। तो बता दें दोस्तों, सुपरस्टार विजय देवकोंडा अर्जुन रेड्डी और गीता गोविंदन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। अब इसके बाद वो एक और धमाकेदार फिल्म को लेकर आपके सामने आने जा रहे हैं। सेंसर रूम विजय देवकोंडा की एक्टिंग, उनके एक्शन सीन्स और हकलाते हुए डायलॉग डिलीवरी से खासा इम्प्रेस है, जिसके बाद माना जा रहा है कि फिल्म स्टार विजय देवकोंडा अगले बड़े पैन इंडिया स्टार बनने वाले हैं। फिल्म मासेस को क्रेजी करने का दम रखती है, साथ ही पुरी जगन्नाथ एक बार फिर से सॉलिड फॉर्म में है और उनके डायरेक्शन की भी जमकर तारीफें हुई हैं। इतना ही नहीं, लाइगर की स्टार कास्ट ने भी फुल मार्क्स हासिल किए। विजय देवकोंडा की मां के कैरेक्टर में राम्या कृष्णन ने खूब वाहवाही लूटी है। एक्ट्रेस का कैरेक्टर काफी पावरफुल है। विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे का लव एंगल भी काफी जबरदस्त है। तो वहीं दोस्तों, फिल्म काफी कसी हुई है टेक्निकल विभाग से भी। वहीं विष्णु शर्मा के विजुअल्स इफेक्ट्स भी काफी शानदार है जो कि सेंसर बोर्ड मेंबर्स को काफी पसंद आए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। तो क्या आप 25 अगस्त के लिए तैयार है जब ये फिल्म रिलीज होगी? क्या आपको लगता है विजय देवकोंडा पैन इंडिया अपनी वही धाक जमा पाएंगे जो उन्होंने अर्जुन रेड्डी से जमाई? तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको लाइगर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। तो लायन और टाइगर की औलाद है ये, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। टाइगर के आफत सॉन्ग ने एक बार फिर से मचाया तहलका। क्या है गाने की खास बातें, क्या फैंस को पसंद आ रही है अनन्या और विजय की केमिस्ट्री? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। तो दोस्तों, आखिरकार विजय देवकोंडा की लाइगर का गाना आफत रिलीज हो चुका है और जिस तरह से अलग अंदाज में इसे गाया गया है, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सॉन्ग लग रहा है और बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इसे बनाया गया है, जिसका क्रेडिट जाता है तनिष्क बख्शी और जहरा को। वहीं दोस्तों, ये काफी रोमांटिक ट्रैक है जिसमें कि विजय और अनन्या की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस रोमांटिक ट्रैक में अनन्या को ड्रामा क्वीन के तौर पर पेश किया गया है जो कि विजय देवकोंडा की लवर है।
ये फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म भी है। लाइगर का गाना आफत काफी ट्रेंड भी कर रहा है। आपको बता दें पहले इसे शुक्रवार शाम 4 बजे रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसके रिलीज डेट को बदल दिया गया और इसे रिलीज किया गया है। यही लाइगर को सेंसर बोर्ड ने भी UA सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट, फर्स्ट हाफ है 1 घंटे 15 मिनट का, सेकंड हाफ है 1 घंटे 5 मिनट का। प्रोडक्शन हाउस के सोर्सेस ने बताया कि फिल्म में 7 फाइटिंग सीन्स है और 6 गाने हैं, यानी कि अभी भी 3 गाने बाकी हैं और अब तक जितने भी रिलीज हुए सभी ने तहलका मचाया, सभी ट्रेंड करने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को भी फील हुआ है कि सेंसर शॉर्ट रन टाइम, एक्शन पार्ट, हीरो कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग डिलीवरी, राम्या कृष्णन का कैरेक्टर, माँ की भावना और विजय देवकोंडा अनन्या का लव ट्रैक सब बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और फिल्म में बड़ा काम कर रहा है अनन्या पांडे और राम्या। वही दोस्तों, इस फिल्म को 25 अगस्त को रिलीज किया जाना है। अब देखना होगा विजय देवकोंडा का ये धमाकेदार डेब्यू कितना बड़ा तहलका मचाता है बॉक्स ऑफिस पर। आपको क्या लगता है, कितना इंतजार है इस फिल्म का, कितना इंतजार है इन दोनों की केमिस्ट्री को बड़े स्क्रीन पर देखने का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू काफी जोरों शोरों से लाइगर का प्रमोशन शुरू कर दिया। वही इस बीच लाइगर प्रमोशन का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमे वीडियो में विजय फैंस की वाट लगाते नजर आए। दरअसल लाइगर की पूरी स्टार कास्ट रविवार को मुंबई में स्थित एक मॉल में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे, जहां लोग अपने स्टार की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉल क्राउड से खचाखच भरा हुआ है, साथ ही एक टीवी स्क्रीन पर लाइगर का सॉन्ग वाट लगा देंगे भी सुनाई दे रहा है, जिसको सुनने के बाद फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। देखा जाए तो अभी हाल ही में फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। लाइगर के इस ट्रेलर में विजय देवरकोंडा की कहानी से थोड़ा रूबरू कराया गया, जो फिल्म में उनके स्ट्रगल और फाइटर बनने के अनोखे सफर पर ले जाता है। ट्रेलर में विजय का लुक काफी धमाकेदार था और लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में उनका लुक, उनका एक्शन काफी इंप्रेसिव था और लोगों को बहुत पसंद आया, और इसी वजह से फिल्म का ट्रेलर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर भयंकर कमाई करेगी। आपको बता दें पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर की कहानी फाइटर के स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। विजय देवरकोंडा मुंबई की सड़कों पर बॉक्सिंग शुरू कर MMA चैंपियन तक का अपना सफर पूरा करते नजर आएंगे। फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी, जिनका फिल्म में कुछ खास रोल नहीं दिखा फिल्म के ट्रेलर में। वेल, खास बात तो ये है कि इस फिल्म को करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस और प्रेजेंट कर रही है। ये फिल्म 25 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी कि तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में और हिंदी में। वेल, आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू।
क्या लाइगर ने रिलीज से पहले ही कमाए करोड़ों? कितने में बिके इसके तेलुगु राइट्स? हेलो फ्रेंड्स, आप देखते हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म लाइगर को लेकर पूरे देश भर में चर्चाओं में है। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेंड करने लगा और फैंस जमकर इसे पसंद करने लगे और वायरल भी हुआ। आपको बता दें, इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में रिलीज किया जा रहा है। विजय देवरकोंडा की इस अपकमिंग फिल्म को बहुत सारे दर्शकों को दिखाया जाना है, इसीलिए फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है विजय देवरकोंडा की। वही दोस्तों, आपको बता दें, अर्जुन रेड्डी से पॉपुलैरिटी बढ़ी थी विजय की और हिंदी बेल्ट में उन्हें खूब पसंद किया गया। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और अब लाइगर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बड़ी और ज़बरदस्त डिमांड्स मिली है तेलुगु वर्जन से। आपको बता दें, तेलुगु वर्जन राइट्स खरीदे गए हैं पूरे 72 करोड़ रुपए में, यानी कि रिलीज से पहले ही करोड़ों कमा चुकी है लाइगर। विजय देवरकोंडा की फिल्म के लिए ये सबसे बड़ा अमाउंट है। इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये ताबड़तोड़ बिजनेस करेगी। वही दोस्तों, आपको बता दें, विजय देवरकोंडा इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट में वो पहुंचे और उनकी सिंप्लिसिटी ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। यहां तक कि रणवीर सिंह ने भी उनकी तारीफें की। अब देखना होगा विजय देवरकोंडा लाइगर से कितना बड़ा तहलका मचाते हैं। आपको कितना इंतज़ार है लाइगर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। दोस्तों, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड और मच अवेटेड फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के साथ ही बहुत सारी रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिए हैं। इस ट्रेलर ने 24 घंटे में 32 मिलियन व्यूज हासिल किए, जबकि सलमान खान को, आमिर खान को और अक्षय कुमार को इस ट्रेलर ने पीछे छोड़ दिया है व्यूज के मामले में। दोस्तों, लाइगर फिल्म मच अवेटेड फिल्म है और इसी वजह से आज हम आपको बताने वाले हैं वो 10 रीजन जो फिल्म को मस्ट वॉच बनाती हैं। तो सबसे पहली बात की ये लाइगर फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये पहली फिल्म है विजय देवरकोंडा की, कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। और विजय देवरकोंडा की आप लोगों को एक फिल्म याद होगी, अर्जुन रेड्डी, इससे उनको बहुत फेम मिली थी। उस फिल्म का रिमेक भी बना बॉलीवुड में कबीर सिंह के नाम से। बात करें लाइगर की, तो ट्रेलर में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में बहुत जबरदस्त फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। नंबर टू, फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा कि इन दोनों की केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर कितनी अच्छी साबित होती है। नंबर थ्री, इस फिल्म में फिट बैठने के लिए एक्टर विजय ने थाईलैंड से मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग ली और अपनी बॉडी पर भी काफी ज्यादा वर्कआउट किया। नंबर फोर, लाइगर में अमेरिका के जाने माने प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन भी कैमियो रोल में दिखाई देंगे। मतलब कह सकते हैं कि फिल्म में रियल और रियल फाइटर की फाइटिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर फाइव, फिल्म की कहानी में एक हकलाने वाले फाइटर की कहानी को दिखाया जाएगा और विजय देवरकोंडा के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है और उनके फैंस के लिए भी ये एक सरप्राइज बॉम्ब की तरह है। नंबर सिक्स, एक्टर विजय देवरकोंडा इस तरह की फाइटिंग फिल्म में पहली बार नजर आएंगे। जबरदस्त एक्शन के साथ एक्टर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और जबकि ये पहली फिल्म है विजय देवरकोंडा की जिसमें वो एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे, तो फैंस के लिए तो बल्ले बल्ले है। नंबर सेवन, फिल्म बाहुबली में श्रृंखला में शिवगामी के अवतार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस राम्या कृष्णन फिल्म में विजय देवरकोंडा की मां के जबरदस्त अवतार में नजर आएंगी। नंबर एट, सबसे पहले फीमेल लीड रोल के लिए एक्ट्रेस जानवी कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन बिजी होने के कारण वो इस फिल्म को डेट नहीं दे पाई और उनके मना करने के बाद ये फिल्म अनन्या पांडे को मिल गई। नंबर नाइन, फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म को फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला
और देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचने वाला है। नंबर 10, फैंस में इस फिल्म का क्रेज साफ देखा जा सकता है और फिक्स 25 अगस्त 2022 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फैंस जो अपना प्यार दिखा रहे हैं फिल्म पर, अब वो देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कैसा होता है। माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग ले सकती है। वेल, इस बारे में आपको क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में विजय देवरकोंडा का दमदार अंदाज और धाशु एक्शन फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद क्या, दर्शक विजय और अनन्या पांडे की इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, रम्या कृष्णन, रॉनित रॉय और माइक टायसन स्टारर ये फिल्म इसी साल 25 अगस्त को रिलीज होगी। इस बीच लाइगर के ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, मतलब कि जहां विजय देवरकोंडा की ये पहली हिंदी फिल्म है। लेकिन फैंस ने इस फिल्म के ट्रेलर को ट्रेलर ऑफ द ईयर बताया, और देखा जाए तो विजय देवरकोंडा की वैसे भी ये पहली फिल्म है, लेकिन पहली पैन इंडिया ट्रेलर ने 24 घंटों में ही आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, सलमान खान की फिल्म सुल्तान और अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दी कि लाइगर का ट्रेलर यूट्यूब पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और इस ट्रेलर को हिंदी वर्जन में 32 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन आमिर खान के रिकॉर्ड की बात करें, जो लाल सिंह चड्ढा से उन्होंने बनाया था, तो 24 घंटे में उनकी फिल्म के ट्रेलर को व्यूज मिले थे 4.6 करोड़। वहीं सलमान खान की बात करें तो उनके सुल्तान को मिले थे 4.7 करोड़। अब ऐसे में विजय देवरकोंडा ने आते ही YouTube पर व्यूज के मामले में इन दोनों सुपरस्टार को पछाड़ दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इतने व्यूज पाने के बाद भी विजय देवरकोंडा की लाइगर रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इस फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में कितने व्यूज मिले थे, 105 मिलियन व्यूज मिले थे। KGF का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि मार्वल की एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो भी नहीं तोड़ पाई इस व्यूज को। KGF और रॉकी भाई सच में महान है, और अब देखना है कि थर्ड पार्ट कैसा होता है इनका। लेकिन फिलहाल हमें लाइगर का इंतजार है और फैंस काफी बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ट्रेलर की तरह बॉक्स ऑफिस पर भी काफी टक्कर मिलती है, क्या कई सारे रिकॉर्ड टूटते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। विजय देवरकोंडा ने आमिर और सलमान को भी पीछे छोड़ा, क्या लाइगर के ट्रेलर ने बनाया रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर के ट्रेलर लॉन्च को 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन लोगों के दिमाग से ये जा नहीं रहा। एक तरफ जहां मुंबई में लाइगर का म्यूजिक इवेंट रखा गया,
वहाँ पर लोगों ने विजय की सिंप्लिसिटी को खूब पसंद किया, तो वहीं दूसरी तरफ विजय देवकोंडा की पहली हिंदी फिल्म लाइगर के ट्रेलर को लोगों ने ट्रेलर ऑफ द ईयर बता दिया। यही वजह है कि विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया फिल्म की ट्रेलर ने 24 घंटों में ही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, सलमान खान की सुल्तान और अजय देवगन स्टारर रणवीर 34 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 जुलाई को रिलीज हुए लाइगर के ट्रेलर ने 24 घंटों में 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए। अगर हम ट्रेलर के हिंदी और तेलुगु वर्जन की बात करें तो विजय देवकोंडा की फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में हिंदी में 3 करोड़ और तेलुगु में 1.6 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। वहीं तमिल, कन्नड़, मलयालम इन सभी में भी जमकर व्यूज की भरमार हुई है। आपको बता दें आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को 24 घंटे में 4.6 व्यूज मिले थे। वहीं साल 2016 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली सुल्तान को 24 घंटे में 4.7 करोड़ लोगों ने देखा था। अब देखना होगा ट्रेलर की तरह क्या ये फिल्म भी जबरदस्त निकलती है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कितना इंतजार है लाइगर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिग्राज स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू ना करते प्यार हम इसे कर बैठे। संभल जाओ। लाइगर के पहले गाने अकड़ी पकड़ी ने कैसे बढ़ाई फैंस की बेताबी। आखिर कैसे मस्ती के मूड से झूमे विजय और अनन्या पांडे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म लाइगर को लेकर चर्चाओं में है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाल ही में फिल्म के पहले गाने का प्रोमो सामने आया जिसमें विजय और अनन्या पांडे एकदम मस्ती के मूड में नजर आए। दोनों का ये बिंदास अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लाइगर में पहली बार अनन्या और विजय देवकोंडा एक साथ नजर आ रहे हैं। अनन्या पांडे और विजय देवकोंडा दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोमो शेयर किया। प्रोमो में विजय और अनन्या मस्ती में चूर होकर धमाकेदार डांस कर रहे हैं। प्रोमो देखकर लग रहा है कि गाना काफी जबरदस्त है और इसे 11 जुलाई को 4 बजे रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें इस फिल्म से जहां विजय बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं तो अनन्या साउथ डेब्यू कर रही है। लाइगर में विजय देवकोंडा एक मार्शल आर्ट फाइटर के रूप में दिखेंगे और दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन से उनके दो दो हाथ भी नजर आएंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें तेलुगु सिनेमा में माइक टाइसन की ये पहली फिल्म है। माना जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते सामने आ सकता है। वहीं फिल्म इसी साल 25 अगस्त को रिलीज होगी। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा विजय देवकोंडा के वर्क फ्रंट की बात करें तो लाइगर के अलावा वो JJM में नजर आएंगे जो कि जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको विजय और अनन्या की इस फिल्म का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है।
जीतने की असली वैल्यू। ना करते प्यार हम इसे कर बैठे। संभल जाओ और अपनी मर्दानगी को अपने पास में ही रखो। समय बदल रहा है, चारों खाने चित्त हो जाओगे। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे एक्टेड लाइगर साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। यह फिल्म दोनों एक्टर्स के लिए खास है क्योंकि वो बॉलीवुड में विजय और साउथ में अनन्या पांडे की शुरुआत है। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई तब से फैंस प्रोड्यूसर से फिल्म की अपडेट साझा करने का हरदम अनुरोध या हरदम रिक्वेस्ट करते रहते हैं और यही वजह है कि आज हम आपके लिए इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार मेकर्स जल्दी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म लाइगर के प्रोड्यूसर जल्दी फिल्म का ट्रेलर जारी कर सकते हैं। फिल्म से जुड़े एक रिपोर्ट ने बताया कि मेकर्स जुलाई के दूसरे या फिर तीसरे वीक में लाइगर का ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी में है। हालांकि विजय देवरकोंडा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़कर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। शुक्रवार की सुबह विजय ने ट्वीट कर लिखा, कमिंग। एक्टर के बस इतने कहने से उनके फैंस खुश हो गए और उम्मीद करें कि कल यानी कि शनिवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जा सकता है। देखा जाए दोस्तों तो विजय देवरकोंडा ने बस लिखा था कमिंग, इसके बाद ही लोग लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स और उनको रिप्लाई कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, दी देवरकोंडा आर्मी जिनका नाम है, इन्होंने लिखा, एंड इट्स टाइम वी गोना शेक इंडिया फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड हैशटैग लाइगर लोडिंग टुमारो। वही एक और यूजर है कार्तिक रेड्डी, इन्होंने लिखा, इंडिया गेट रेडी ही इज कमिंग लाइगर हंट्स फ्रॉम अगस्त 25 हैशटैग विजय देवरकोंडा हैशटैग लाइगर। एक और यूजर है, इन्होंने लिखा, लाइगर टुमारो वी विल शेक वाट लगा देंगे हैशटैग विजय देवरकोंडा हैशटैग लाइगर। वेल, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के ट्रेलर के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइगर के नए लुक ने कैसे मचाया तहलका? क्या होगी फिल्म की कहानी और खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, आजकल लोग साउथ सुपरस्टार्स की तरफ ज़्यादा खींचे चले जा रहे हैं और साउथ की फिल्मों को देखना पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड साउथ के सामने फीका पड़ चुका है, लेकिन साउथ के कई सुपरस्टार हैं जो कि बॉलीवुड की तरफ रेस कर रहे हैं और कई फिल्में बना रहे हैं। इन्हीं में से एक है विजय देवरकोंडा, जिन्हें हमने अर्जुन रेड्डी में देखा और सभी उनके दीवाने हो गए। अब उनकी फिल्म लाइगर से उनका नया लुक सामने आया है जिसने फैंस को क्रेजी कर दिया है। इस लुक में विजय देवरकोंडा अपनी मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस फोटो में वो न्यूड है और उन्होंने एक बुके पकड़ा हुआ है जो कि अपने आप में एक अलग चीज दिखाता है। आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म में एक बॉक्सर की भूमिका निभाने वाले हैं विजय देवरकोंडा। इससे पहले फिल्म का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया। टीजर में आप देख सकते हैं कि कैसे विजय देवरकोंडा पीठ पर तिरंगा ओढ़े रिंग में घुसते नजर आए। विजय का कैरेक्टर और लगभग पूरी कहानी का क्लू साफ दिख रहा था। विजय मुंबई की झुग्गियों में पले बड़े बेहद ही सिंपल यूथ है। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। विजय में फाइटिंग स्किल्स है, घर चलाने के लिए चाय की दुकान का सहारा है। वहीं रोनित रॉय इसमें उनके कोच हो सकते हैं। फिल्म की कहानी शायद कुछ ऐसी है कि मुंबई का एक सिंपल सा लड़का अच्छा फाइटर है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स का कोई मकसद नहीं है। उसे एक आदमी पहचानता है और फिर बॉक्सिंग का मकसद देता है। ये मकसद पाने के बाद वो एक इंडियन बॉक्सर के रूप में रिंग में उतरता है और सभी के छक्के छुड़ा देता है। इस फिल्म में बहुत सारे फाइटिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइगर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में अनन्या पांडे आपको नजर आएगी। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है लाइगर का?
नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों एक्टर्स पहले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आती है, जैसे जैसे बायकॉट का जो ये मुहिम जो चल रहा है वो उन पर हावी होता है, वैसे वैसे इन एक्टर्स की सुरताल सब कुछ बदलने लगता है। पहले करीना कपूर खान को आप देख लीजिए, उनकी स्टेटमेंट क्या थी और बाद में क्या हुआ। आमिर खान के स्टेटमेंट की बात कर ले तो उनके भी सुर बदले। अभी कुछ ही दिनों पहले विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर के बायकॉट की मांग सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों से उठी। हालांकि बाद में इस पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें बायकॉट से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा था कि क्या इस बायकॉट के डर से क्या अपनी फिल्में रिलीज करना छोड़ दे। विजय देवरकोंडा के इस बयान के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज होने के लिए बहुत करीब आ गई है, लगभग 48 घंटे रह गए हैं, तो अब उनके भी सुरताल पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने कहा कि करण जौहर, चारमीम कौर, पुरी जगन्नाथ और फिल्म की टीम के बाकी लोगों के साथ कोरोना महामारी के बीच फिल्म को पूरा करने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत की। 3 साल पहले साल 2019 में हमने इस फिल्म की शुरुआत की, उस समय पर ये बायकॉट बॉलीवुड नहीं था, ये सब लॉकडाउन में शुरू हुआ और हम उस समय तक शूटिंग शेड्यूल में आ चुके थे। उस समय हमें लगा कि हमारी फिल्म को पूरे भारत में ले जाने के लिए करण जौहर सर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हमने उनसे फिल्म को हिंदी में रिलीज करने को कहा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और हमें नॉर्थ से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। एक्टर सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने सबसे पहले बात की स्ट्रगल के बारे में। वो बताना चाह रहे थे कि वो सेल्फ मेड एक्टर है और यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने कहा, रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा, इस दुनिया में मेरी जगह के लिए लड़ना पड़ा, काम के लिए लड़ना पड़ा, हर पिक्चर एक लड़ाई था। जो मेरा पहला पिक्चर था उसे प्रोड्यूसर तक नहीं मिल रहे थे, हम सभी ने फ्री में एक्टिंग किया, पिक्चर बनाने के लिए फिर लोगों को प्यार मिला और वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। रिलीज करने के लिए कोई नहीं था क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं थे। बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अब इंडिया के लिए पिक्चर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ड्रामा तो होना चाहिए, लड़ेंगे क्योंकि सच्चे दिल से काम किया है, जितना पॉसिबल था वो सब कुछ किया है एक एक्टर की तरह। वेल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब बातों का अभी इस टाइम क्या फायदा और अभी ये सब क्यों कह रहे हैं विजय देवरकोंडा। हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप ज्यादा पंगा मत लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे और इसीलिए लग रहा है कि उनके सुर बदल चुके हैं। वेल, इसके बाद का डिसीजन आप लोगों पर है कि आप लोगों को क्या करना है। या अभी भी करण जौहर को बायकॉट करना है क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने ऐसे बहुत से बयानबाजी किए हैं जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखा है, आपको क्या करना है ये सब कुछ अब आप डिसाइड करिए। वेल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों लाइगर को लेकर इन दिनों फिल्म के स्टार कास्ट प्रमोशन में लगी है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे फिल्म के प्रमोशन के लिए जगह जगह जा रहे हैं, गली गली घूम रहे। फिल्म की वाहवाही करने में करण जौहर भी पीछे नहीं है, वो फिल्म को जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। अब फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ एक दिन रह गए और फाइनली फिल्म का रिव्यू भी आ गया है। रिव्यू ही सामने नहीं आया बल्कि एक्टर ने फिल्म को डिजास्टर बताया है और ये कौन एक्टर है आप और हम सभी जानते हैं। जी हाँ, KRK ने करण जौहर पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म लाइगर, जिसको लेकर वो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने गुरुवार शाम को पेड प्रीव्यू का फैसला किया। लेकिन मैं KJ यानी कि करण जौहर सर को बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि जनता की आवाज को खुदा नकारता नहीं है। वाओ, मतलब उन्होंने तो सीधा ही सीधा निशाना साधा और कहा कि ये फिल्म डिजास्टर होने वाली है, मतलब वाओ।
क्या रिव्यू दिया है। वैसे तो वो अक्सर फिल्मों का रिव्यू देते रहते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म की तारीफ की थी कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन नतीजा क्या है हम सभी जानते हैं। हालांकि कुछ सही भी हो रहे हैं, जो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में बोला वो सही साबित हुआ। इन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, अब इंग्लिश की बात कर ले जो रियल एक्चुअल ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, प्रोड्यूसर @ करण जौहर कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई फॉर फिल्म लाइगर, सो ही डिसाइड टू हैव पेड प्रीव्यूज ऑन थर्सडे इवनिंग। आई वुड लाइक टू टेल टू KJ कि सर इसको डिजास्टर होने से कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज जनता की आवाज नकारे खुदा। वेल तो ये पहली बार नहीं है जब KRK ने फिल्म को लेकर ट्वीट किया हो, इससे पहले भी उन्होंने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि करण जौहर ने लाइगर को OTT कंपनी को बेचने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा कीमत के लिए राजी नहीं हुआ। विजय ने 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। फिल्म 10 से 20 करोड़ लाइफ टाइम बिजनेस करेगी, जबकि फिल्म को फायदा कमाने के लिए 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना चाहिए। एक और ट्वीट किया कि जो लीडिंग कास्ट है उसको 30 से 35 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये डिजास्टर साबित होगी। अब करण बजट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फिल्म के सुपर फ्लॉप हो जाने के बाद ही सभी प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म का बजट याद रहता है। देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ कास्ट की बात करें कि कितने करोड़ रुपए लिए हैं, तो विजय देवरकोंडा ने 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, वही अनन्या पांडे ने 8 से 10 करोड़ रुपए, और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं वो 10-15 करोड़ के अंदर आ गए। राम्या कृष्ण ने लगभग 80 लाख रुपए चार्ज किया है, ऐसे ही सभी ने चार्ज किया है। तो अगर ऐसे ही देखा जाए तो 50 से 60 करोड़ रुपए तो सिर्फ कास्टिंग में खर्च हुआ, और फिल्म जो बनी होगी ऊपर से मान लेते हैं कम से कम 100 करोड़ में तो बनी ही होगी, या मान लेते हैं 70 करोड़, तो ओवरऑल होता है 120 करोड़ या 150 करोड़ मान लेते हैं। अब सच में फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 160 करोड़ की आवश्यकता होगी, 160 करोड़ रुपए से कलेक्शन करना होगा। अब देखना होगा कि क्या होता है बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि पूरी जगन्नाथ की फिल्म है, पूरी जगन्नाथ जिन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, हालांकि उनसे करण जौहर पहले नहीं जुटे थे, अब जुट चुके हैं, तो देखना है कि क्या होता है उनका हाल। ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है, यानी कि कल। आपको क्या लगता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, हिट साबित होगी, या फिर KRK की बात सच होगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये। क्या कहा विजय ने अपने कैरेक्टर के बारे में? कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करी विजय ने जो ट्विटर पर #boycottTiger ट्रेंड हो रहा है? Hi guys, welcome back to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios. मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुरभि गुप्ता, और ये रही आप सभी की आज की बॉलीवुड की खबर। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी अपकमिंग मूवी लाइगर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये विजय की बॉलीवुड में डेब्यू मूवी होने वाली है। इस मूवी में वो अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे और इस मूवी के लिए विजय के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अपने फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए विजय ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, और वो क्या है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगी, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लाइगर मूवी अगले हफ्ते सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही विजय ने इसके सेकेंड पार्ट यानी कि इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी है। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही विजय के फैंस खुशी से झूम उठे हैं। हम आपको बता दें कि लाइगर एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है जिसमें विजय एक बॉक्सर का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए विजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म के अंदर मेरे कैरेक्टर को हकलाने की आदत है, और इससे ये कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो मेरा कैरेक्टर फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, वहीं दूसरी तरफ वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे 3 सिंपल वर्ड्स आई लव यू भी नहीं बोल पाता।
इस कैरेक्टर के अंदर आपको ह्यूमर और इमोशन का अच्छा कॉकटेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में उन्हें अपने कैरेक्टर में ढलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थी, पर आफ्टर 2 to 3 days सब कुछ आसान हो गया। लाइगर मूवी में हमें अमेरिकन बॉक्सर माइक टाइसन का कैमियो भी देखने को मिलेगा। लाइगर के पोस्टरेट सीन में विजय जन गण मन के लिए सहयोग करते नजर आएंगे। भले ही विजय ने सीक्वल के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन ट्विटर पे हैशटैग बॉयकॉट लाइगर मूवी ट्रेंड कर रहा है, जिस वजह से लाइगर मूवी को बॉक्स ऑफिस पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी ने किया था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साउथ के स्टार की मूवी पर क्यों बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल लाइगर मूवी के प्रमोशंस के दौरान विजय ने लाल सिंह चड्ढा के सपोर्ट में ये कहा कि ऑडियंस किसी एक स्टार को बॉयकॉट नहीं कर रही, ये उस मूवी में काम करने वाले बाकी सभी स्टार्स और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ को भी बॉयकॉट कर रही है, जिस वजह से सपोर्टिंग स्टाफ को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और यही बात से नाराज होकर बॉयकॉट गैंग ने ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया और अब तक 20,000 से भी ज्यादा इस हैशटैग पर ट्वीट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, लाइगर मूवी पर भारी पड़ेगी बॉयकॉट गैंग? और आप लोग विजय की इस अनाउंसमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए बॉलीग्राड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। आपसे मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। विजय और अनन्या को प्रमोशन करते हुए कौन सी जगह पाया गया, लोगों के बीच क्यों नाचने लगे विजय और अनन्या? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर को प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई के बांद्रा इलाके में लोगों के बीच फिल्म को प्रमोट करते हुए देखा गया। दोनों इस दौरान बच्चों के साथ झूमते नजर आए। लाइगर के प्रमोशन के दौरान दोनों कलाकार काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोनों इस प्रमोशन के दौरान लोगों के बीच नजर आए, साथ ही दोनों के साथ एक कोरियोग्राफर भी दिखाई दिए जो कि दोनों को डांस भी सिखा रहे थे। हाल ही में एक ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के साथ फिल्म मेकर करण जौहर, फिल्म के डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ और रणवीर सिंह भी नजर आए थे। इस दौरान विजय देवरकोंडा चप्पल पहनकर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस चीज पर कॉन्ट्रोवर्सी भी छिड़ी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें मशहूर बॉक्सर माइक टायसन भी नजर आएंगे। माइक टायसन इस फिल्म से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाले हैं। वहीं विजय देवकोंडा भी इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। बॉलीवुड का फेमस टॉक शो कॉफी विद करण आजकल चर्चा में छाया हुआ है। हाल ही में करण जौहर के शो में साउथ स्टार विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे भी पहुंचे थे। गौरतलब है कि करण अपने शो में अक्सर स्टार्स की पोल खोल देते हैं। इस बीच उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसने ईशान खट्टर और अनन्या पांडे के रिश्ते की पोल खोल दी। दरअसल जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, वैसे ही
ही करण जौहर ने अनन्या और ईशान खट्टर के रिलेशनशिप पर पुष्टि की है। इतना ही नहीं, आगे फिल्म मेकर ने कहा कि अनन्या पांडे ने ईशान खट्टर को डेट किया, बल्कि ये भी बताया कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। इस बीच करण को रोकते हुए अनन्या ने कहा कि वह अब सिंगल है तो अब की बात करे और वह पास्ट के बारे में अब नहीं सोचती। करण जौहर ने जैसे ही अपनी पार्टी में अनन्या को किसी के साथ देखने का जिक्र किया तो अनन्या ने कहा कि नहीं, पार्टी में उन्होंने कुछ नहीं देखा था। लेकिन करण ने कहा कि मैंने देखा था, बताओ तुम्हारे और आदित्य रॉय कपूर के बीच क्या चल रहा है। इस सवाल को सुनते ही एक्ट्रेस हैरान हो जाती हैं। हालांकि एक्ट्रेस अफेयर की खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। आदित्य रॉय कपूर को उन्होंने महज अपना अच्छा दोस्त बताया। एक्ट्रेस के इस जवाब पर करण ने चुटकी बजाते हुए कहा कि आदित्य हॉट है, तो अनन्या ने भी इस पर हामी भरी। लेकिन अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर एक्ट्रेस ने कोई कमेंट नहीं किया। विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और अब क्योंकि फिल्म की रिलीज में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में फिल्म के कलाकार फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। गाइस, और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सोम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। Tata, bye, take care. सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की पहली पैन इंडिया फिल्म लाइगर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट पास आते ही मेकर्स ने काफी जोरों शोरों से लाइगर का प्रमोशन शुरू कर दिया। वहीं इस बीच लाइगर प्रमोशन का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में विजय फैंस की वाट लगाते नजर आए। दरअसल लाइगर की पूरी स्टारकास्ट रविवार को मुंबई में स्थित एक मॉल में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे, जहां लोग अपने स्टार की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉल क्राउड से खचाखच भरा हुआ है। साथ ही एक टीवी स्क्रीन पर लाइगर का सॉन्ग वाट लगा देंगे भी सुनाई दे रहा है, जिसको सुनने के बाद फैंस बहुत एक्साइटेड नजर आए। देखा जाए तो अभी हाल ही में फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। लाइगर के ट्रेलर में विजय देवरकोंडा की कहानी से थोड़ा रूबरू कराया गया, जो फिल्म में उनके स्ट्रगल और फाइटर बनने के अनोखे सफर पर ले जाता है। ट्रेलर में विजय का लुक काफी धमाकेदार था और लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में उनका लुक, उनका एक्शन काफी इंप्रेसिव था और लोगों को बहुत पसंद आया, और इसी वजह से फिल्म का ट्रेलर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है, और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर भयंकर कमाई करेगी। आपको बता दें, पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर की कहानी फाइटर के स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। विजय देवरकोंडा मुंबई की सड़कों पर बॉक्सिंग शुरू कर एमएमए चैंपियन तक का अपना सफर पूरा करते नजर आएंगे। फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी, जिनका फिल्म में कुछ खास रोल नहीं दिखा फिल्म के ट्रेलर में। वेल, खास बात तो ये है कि इस फिल्म को करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस और प्रेजेंट कर रही है। ये फिल्म 25 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी, यानी कि तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में और हिंदी में। वेल, आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है।
जीतने की असली वैल्यू। क्या रणवीर सिंह को जेल भिजवाने में है विजय का हाथ? क्या विजय ने दिया अपने पोस्टर से गलत मैसेज? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ सिनेमा के दमदार कलाकार विजय देवरकोंडा बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण के सीजन 7 में नजर आए। यह पहला मौका था जब विजय देवरकोंडा ने करण जौहर के इस शो में कदम रखा। शो के दौरान करण जौहर ने लाइगर एक्टर से रणवीर सिंह की तरह फोटोशूट कराने का बारे में सवाल दागा, जिस पर विजय ने बड़ी ही बेकाबी से जवाब दिया। कॉफी विद करण के सीजन 7 के चौथे एपिसोड में विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म लाइगर को प्रमोट करने पहुंचे। इस दौरान शो के होस्ट करण जौहर ने विजय से कई सारे सवाल किए, लेकिन बारी जब रैपिड फायर राउंड की आई तब करण ने विजय देवरकोंडा से पूछा, क्या आप किसी मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट कराने के लिए तैयार हो सकते हैं? इस सवाल को लाइगर स्टार ने खुले मिजाज में कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं आराम से किसी भी मैगजीन के लिए बिना कपड़ों के फोटोशूट करा सकता हूँ। ऐसे में यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चर्चा रणवीर सिंह के फोटोशूट की वजह से हो रही है। दरअसल विजय देवरकोंडा ने फिलहाल तो कॉफी विद करण पर बिना कपड़ों के फोटोशूट के लिए हामी भरी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइगर का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें वो सिर्फ एक गुलाब के गुलदस्ते के साथ नजर आ रहे थे। विजय का पोस्टर ऑलमोस्ट न्यूड था। वहीं दूसरी तरफ जब रणवीर सिंह ने जब एक मैगजीन शूट के लिए न्यूड पिक्स शूट करवाया तो इससे काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया और ये बात रणवीर को जेल तक ले जाने के लिए चली गई। अब इसमें क्या गलत है क्या सही ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब एक फिल्म के पोस्टर के लिए न्यूड पिक पर सवाल ही खड़े हुए तो एक मैगजीन फोटो पर इतना बवाल क्यों? वहीं रणवीर के साथ बॉलीवुड के कलाकार भी उनके साथ खड़े हैं। आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, विद्या बालन, जाह्नवी कपूर, करीना कपूर खान, साथ ही और भी कई बॉलीवुड के बड़े स्टार्स रणवीर के साथ आज खड़े हैं। वहीं रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी के हाइलाइट्स में बने हुए हैं, साथ ही जमकर ट्रोलिंग भी उनकी की जा रही है। कई फैंस ने तो ये भी लिखा कमेंट सेक्शन में कि रणवीर ने विजय के पोस्टर से इंस्पिरेशन ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विजय के हॉट पोस्टर देखकर रणवीर उन्हें टक्कर देना चाहते थे? गाइज, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे अगले वीडियोस के साथ। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। क्या लाइगर के नए पोस्टर ने पीछे छोड़ा बाहुबली को? क्या लाइगर बनाएगी इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नई जगह? हेलो गाइस, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर की डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। इस फिल्म से विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस ट्रेलर ने महज कुछ ही घंटों में करोड़ों व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेलर को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह 24 घंटों में कई बड़े फिल्मों के ट्रेलर को पीछे छोड़ चुकी है। लाइगर के ट्रेलर ने बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसा कहा जा रहा है।
प्रभास की बाहुबली 2 का इंतजार लोगों को लंबे समय से था। जैसा ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ वैसे ही फैंस बस टूट पड़े यूट्यूब पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटों में 12 करोड़ 42 लाख बार देखा गया था। बता दें कि बाहुबली 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने कुल 510.99 करोड़ का बिजनेस किया था। पूरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में जहां विजय देवकोन जब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं तो उनके साथ ही अनन्या पांडे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान पूरी जगन्नाथ ने विजय के करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजय देवरकोंडा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों के बाद से ही बड़े उभरते स्टार रहे हैं। वहीं अब एक्टर के साथ पहली बार काम करने वाले पूरी जगन्नाथ ने विजय देवरकोंडा के करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लाइगर के बाद दोनों जनगण मन में भी साथ काम करते दिखेंगे, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि विजय देवरकोंडा भारत और भारतीय सिनेमा में बड़ा स्थान हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विजय देवरकोंडा की के काम और मेहनत और जुनून को देखते हुए वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनका मानना है कि उन्हें करियर में कई ऊंचाइयों पर उन्हें ले जाएगा उनका काम। उन्होंने कहा कि विजय भारत और भारतीय सिनेमा में अगली बड़ी चीज़ साबित होगी। बता दें कि लाइगर विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया फिल्म है। ऐसे में फिल्म को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें भी हैं। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के अलावा रामी कृष्णन, रौनित रॉय भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म 25 अगस्त को हिंदी, तेलुगु के साथ तमिल और मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और भी सारी नई अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। राखी सावंत ने क्यों किया अपने बीएफ को विजय से कंपेयर? तेलुगु वर्जन में फिल्म ने कितना कमा लिया? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन इंडस्ट्री से उभरने वाले बड़े सितारों में से एक हैं। फिल्म लाइगर के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले एक्टर ने फिल्म की रिलीज के लिए फैंस को एक्साइट कर दिया है। जहां एक्टर फिल्म के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनके लुक्स के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा जज किया जा रहा है। विजय ने एक ब्लैक टी, खाकी कार्गो और सिर्फ एक सिंपल स्लीपर्स में लुक कैरी किया था। कई लोगों ने इस सिंपल लुक से रेडी होने के लिए विजय को सुपर कूल कहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे चीप लुक कहा। हाल ही में टेलीविजन इंडस्ट्री की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत ने भी प्रमोशनल इवेंट में विजय के लुक को लेकर कमेंट पास किया है। विरल भयानी के एक वीडियो के अनुसार जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, उसमें राखी सावंत को हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन में देखा गया था जहां वह अपने लवर आदिल खान के साथ शामिल हुई थी। आदिल की वीडियो में देर से आने की वजह यह थी कि वह चप्पल पहनकर मीडिया के सामने आने से कतराते थे। उस समय राखी ने विजय देवरकोंडा पर आदिल को याद दिलाते हुए एक ट्रोल कमेंट किया कि लाइगर एक्टर ने अपने बड़े ट्रेलर लॉन्च इवेंट में चप्पल पहनी थी,
वीडियो में राखी सावंत कहती सुनाई दे रही है करण जौहर की पार्टी में वो जो हीरो है ना विजय यार वो तो 150-200 की चप्पल पहन के आया था। करण जौहर की फिल्म में लाइगर के प्रमोशन में 200 की चप्पल पहन के आया था लेकिन इतना बड़ा हीरो है मेरा हीरो भी कम नहीं है। और जब से राखी ने ये सब बोला तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विजय के फैंस ये सब सुनते ही भड़क गए और कमेंट सेक्शन में राखी की बात लगा डाली। एक यूजर ने लिखा तेरी औकात क्या है विजय के सामने वो कोई विजय बोलती है खाली दिमाग वाली औरत। तो दूसरे ने लिखा 80,000 के चप्पल है तेरे घर आ जाएगा इसमें। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा तुम जैसे 100 आएंगे विजय देवरकोंडा खरीद लेंगे इनको। अब राखी को तो लोगों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फैंस का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह के और दिलचस्प अपडेट सामने आए हैं। हाल ही में हमने सुना है कि फिल्म के तेलुगु वर्जन के थिएटिकल राइट्स रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदे गए हैं। फेमस डिस्ट्रीब्यूटर वारंगा शिनू ने कथित तौर पर 72 करोड़ रुपए में तेलुगु वर्जन के थिएटिकल राइट्स हासिल कर लिए है जो की विजय देवरकोंडा की फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फिल्म कुछ शानदार रिस्पॉन्स लाएगी। सो गाइज आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो। और हाँ फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सूख निकाल लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है। हीरो वो होता है जो हारता है। पहली बार हुआ फिल्म का प्रमोशन इस नए स्टाइल में। आखिर क्या है विजय का सीक्रेट रिलेशन सामंता के साथ। हेलो गाइस स्वागत स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। अपकमिंग फिल्म लाइगर के प्रमोशन के लिए अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा ने लोकल ट्रेन की सवारी की। अनन्या ने अपनी लोकल ट्रेन जर्नी को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। अनन्या ने पोस्ट में कैप्शन दिया लाइगर प्रमोशन ऑन ट्रैक लेट्स गो बॉयज। जहां अनन्या ट्रेन की सीट पर बैठी है वहीं विजय उनकी गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। अनन्या और विजय के आसपास के लोगों के रिएक्शन से लग रहा था कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। हाल ही में फिल्म का न्यू सॉन्ग वाट लगा देंगे रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग को खुद विजय ने गाया है तो वहीं इस सॉन्ग के लिरिक्स पूरी जगन्नाथ ने लिखा। इसे साल का मोटिवेशनल एंथम भी कहा जा रहा है। फिल्म लाइगर में विजय के साथ अनन्या पांडे और माइक टायसन भी नजर आएंगे। रामकृष्णन इस फिल्म में लाइगर की मां का किरदार निभा रही हैं। मार प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म लाइगर कुल 125 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। यह फिल्म 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड का फेमस टॉक शो कॉफी विद करण आजकल चर्चा में छाया हुआ है। हाल ही में करण जौहर के शो में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि करण अपने शो में अक्सर स्टार्स की पोल खोल देते हैं। करण के शो में पहली बार पहुंचे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की पर्सनल लाइफ पर कई सवाल खड़े हुए और कई खुलासे भी हुए। गौरतलब है कि अक्सर विजय और पुष्पा स्टार रश्मिका मंदाना की डेटिंग की खबरें आती हैं। जब इस बारे में विजय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह और रश्मिका बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में रश्मिका के साथ 2 फिल्में की हैं। ऐसे में दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हालांकि करण जौहर कहां रुकने वाले थे इसके बाद जब उन्होंने अनन्या से सवाल किया कि उनके
विजय किसको डेट कर रहे हैं, इस पर अनन्या ने इशारों में ही लेकिन रश्मिका के साथ विजय के रिलेशनशिप का हिंट दे दिया। अनन्या ने कहा ये हमेशा रश रश में ही रहते हैं मिका सिंह से मिलने की जल्दी में। इसके बाद करण जौहर ने सुपरस्टार से उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को हैप्पी बताया। विजय ने कहा मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मेरे माता पिता और डायरेक्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। करण ने कहा कि आप रिलेशनशिप में हैं? इस पर विजय ने कहा जब मैं शादी करूँगा और बच्चे पैदा करूँगा सबको बताऊंगा, तब तक मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता जो मुझे प्यार करते हैं। गाइज आप लोगों को इस फिल्म का कितना एक्साइटमेंट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सब ये सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जानता है जीतने की असली वैल्यू। विजय देवकोंडा से फ्लर्ट करना अनन्या पर पड़ा भारी? क्या लाइगर से दोनों की केमिस्ट्री मचाएगी तहलका? आखिर कैसे करण ने ली अनन्या की क्लास? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों फिल्म मेकर करण जौहर का फेमस स्टेज चैट शो बैच दोस्तों फिल्म मेकर करण जौहर का फेमस चैट शो कॉफी विद करण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तीसरे एपिसोड में जहां सारा अली खान और जानवी कपूर ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले, वहीं अब शो के चौथे एपिसोड में लाइगर स्टार विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे नजर आएंगे। ये एपिसोड ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा चुका है। हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में विजय तेलुगु भाषा में अनन्या के साथ रोमांटिक बातें करते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है अनन्या किस तरह से विजय के साथ फ्लर्ट कर रही है। वीडियो में जब विजय अनन्या से तेलुगु में बात करते हैं तो एक्ट्रेस कहती है ये बहुत सेक्सी है, इसे दोबारा बोलकर दिखाओ। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है विजय जो भी बातें अनन्या से कर रहे हैं एक्ट्रेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं दोस्तों कॉफी विद करण 7 के इस वीडियो में करण जौहर अनन्या को विजय की बात समझाते हुए ताना मारते हैं और करण जौहर कह रहे हैं कि आप क्यूट हो लेकिन उन पर लाइन मत मारो। करण जौहर की बात सुनकर अनन्या का मूड खराब हो जाता है। अनन्या विजय और करण के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपने रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं दोस्तों करण जौहर के चैट शो में विजय ने अपने रिलेशन स्टेटस को लेकर भी खुलकर बात की। जब करण ने विजय से पूछा कि क्या किसी रिलेशनशिप में है विजय, तो इस पर एक्टर ने कहा जिस दिन मैं शादी करूंगा और मेरे बच्चे होंगे उस दिन जोर से चिल्लाकर मैं ये बात सबको बताऊंगा, लेकिन तब तक मैं ऐसे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको एक एक्टर के रूप में प्यार करते हैं और आपके पोस्टर को अपने कमरे की दीवारों पर लगाते हैं। वो मुझे इतना प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो विजय ने बड़े ही स्मार्टली इसका जवाब दे दिया। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है लाइगर का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सब ये सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है।
क्यों रो पड़ी विजय की माँ? क्या माइक टाइसन से डरती है विजय देवकोंडा की माँ? हेलो गाइस, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ स्टार विजय देवकोंडा की फिल्म लाइगर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में एक्टर का शानदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आया और वह उनके दमदार एक्शन के दीवाने हो गए हैं। इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे भी शामिल हैं। लाइगर से विजय बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाले हैं, तो अनन्या साउथ में डेब्यू कर रही हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान विजय ने फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें शेयर की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने माँ का भी जिक्र किया और बताया कि शूटिंग के दौरान वह उनके लिए बहुत डरी हुई थी। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। लाइगर का ट्रेलर जब लॉन्च किया गया था उस दौरान फिल्म की पूरी टीम के साथ रणवीर सिंह भी इवेंट में मौजूद थे। इस बीच विजय देवकोंडा ने फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा शेयर किया। विजय ने बताया कि फिल्म में उनका बॉक्सर माइक टाइसन के साथ एक फाइट सीन है। जब उनकी माँ देवकोंडा माझी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई और दिन रात पूजा करने लगी। उनकी माँ को डर था कि माइक टाइसन के साथ शूटिंग करते हुए उन्हें चोट ना लग जाए। विजय ने बताया कि जब वह शूटिंग करने के लिए निकल रहे थे तो माँ ने उन्हें विभूति और चंदन लगा कर भेजा था ताकि वह सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, उनकी माँ फिल्म के मेकर्स को कॉल करके विजय का ख्याल रखने के लिए कहती थी। लाइगर की प्रोड्यूसर चामिकॉन ने बताया कि विजय की मां ने उन्हें लाखों कॉल किए और कहा कि वो माइक टाइसन है, चिंटू का ख्याल रखना। ऐसे में चामिकॉन ने शूटिंग के दौरान टाइसन और विजय का एक वीडियो बनाकर उन्हें भेजा था ताकि वह बचपन के दोस्तों की तरह एक साथ चिल कर रहे हैं। बता दें कि पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। इस फिल्म में विजय देवकोंडा एक एमएमए फाइटर का किरदार निभा रहे हैं और माइक टाइसन कैमियो कर रहे हैं। इस फिल्म में विजय देवकोंडा एक बॉक्सर की भूमिका में दिखाई देंगे, जिसके लिए एक्टर ने अपने लुक में काफी बदलाव किए हैं। साउथ एक्टर के सिक्स पैक्स और शानदार बॉडी फैंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और जब विजय इस शानदार लुक और धांसू एक्टिंग से फैंस पर अपना जादू चला पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। गाइज, आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। क्यों हुई लाइगर से आउट अनन्या? क्यों नहीं मिला अनन्या को फिल्म का क्रेडिट? हेलो गाइस, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगा डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। अनन्या पांडे बॉलीवुड में इस यंग ब्यूटी की पॉपुलैरिटी ही सब कुछ नहीं है,
फिल्म स्टार चंकी पांडे की लाडली बेटी अनन्या पांडे ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शानदार तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत ही कम समय में काफी क्रेज हासिल कर लिया। इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एंड ऑन द अदर हैंड मेस्मराइजिंग ग्लैमर शो के साथ ऑडियंस का पूरा ध्यान खींचने में अनन्या सफल रही हैं। साथ ही डायनेमिक डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की फिल्म लाइगर टॉलीवुड के राउडी बॉय विजय देवरकोंडा के साथ कोलैबोरेशन है। करण जौहर, चार्मी कौर, अपूर्वा मेहता, हीरो यश जौहर और पूरी जगन्नाथ ने फिल्म प्रोड्यूस किया है अंडर धर्मा प्रोडक्शन पूरी कॉन्टेक्ट बैनर। यह बॉक्सिंग के टॉपिक से रिलेटेड शूट की गई एक पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म में अनन्या पांडे के ऑपोजिट रोल में विजय देवरकोंडा के साथ काम करते देखा गया है। रामकृष्ण रौनित, रॉय मकरंद देश पांडे, बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन भी मेन लीड रोल में एंटरटेन करने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब अपने पोस्ट प्रोडक्शन से काम को लेकर जोरों शोरों से जश्न मनाया जा रहा है। 25 अगस्त को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज होने जा रही है ये फिल्म। बैकग्राउंड वर्क में मेकर्स अपडेट की एक सीरीज जारी कर रहे हैं। फिल्म के बारे में गुड बज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन लाइगर की बात करें तो सभी की निगाहें विजय देवरकोंडा पर हैं और वहीं अनन्या पांडे की किसी को परवाह ही नहीं है। अनन्या को लाइगर से काफी उम्मीदें हैं। लाइगर द्वारा लाए गए क्रेज के साथ वह साउथ में भी अपनी परफॉर्मेंस और टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ के स्टार्स हीरो के साथ परफॉर्म करना चाहती हैं। लेकिन अब कई फिल्म एनालिस्ट को लगता है कि अनन्या का लाइगर से ज्यादा लेना देना नहीं है। कहा जा रहा है कि इसका रीजन है कि उन्हें कोई ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी ओर मेकर्स विजय को टारगेट भी कर रहे हैं और लाइगर को प्रमोट भी कर रहे हैं। अनन्या की तरफ उनकी नज़र है ही नहीं। यहाँ अनन्या के लिए कोई क्रेज ही नहीं है। हालांकि अगर फिल्म में अनन्या की परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली वो यहाँ खड़ा होना डिजर्व करती हैं। अनन्या ने अपना 100% दिया है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या अनन्या के साथ ये सही हुआ है या नहीं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टेड फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। लाइगर का न्यू पोस्टर हुआ हिट, कब होगा फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज? हेलो गाइस, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स को अगर डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की गिनती साउथ के बड़े स्टार्स में की जाती है। वो जल्द ही हिंदी फिल्म लाइगर के जरिए अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस में बेकरारी बढ़ गई है। इस फिल्म में उनका एक्शन लुक नजर आएगा। इस बीच विजय देवरकोंडा की लाइगर के ट्रेलर को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। इसके साथ ही ट्रेलर की रिलीज डेट भी कन्फर्म हो गई है। फिल्म से जुड़ी अपडेट मिलने के बाद फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
दरअसल हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से लाइगर के ट्रेलर को लेकर जानकारी पेश की गई। धर्मा प्रोडक्शन ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइगर के नए पोस्टर को शेयर किया और बताया कि साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म का ट्रेलर 21 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। इस खबर को जानकर विजय देवरकोंडा के फैंस काफी खुश हैं और लाइगर के ट्रेलर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म लाइगर 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गाइस, फिल्म का पहला पोस्टर इतना हिट हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर बच्चे बच्चे को उनका ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया और आज तक बॉलीवुड और टॉलीवुड में इतना हॉट पोस्टर देखा नहीं गया था। साथ ही उसके बाद जब से फिल्म का पहला गाना अकड़ी पकड़ी रिलीज हुआ, इसने भी जमकर तारीफें बटोरी है और दर्शकों का प्यार बटोरा है। साथ ही बॉलीवुड से भी ढेर सारा प्यार मिला है इस गाने को और पोस्टर को भी, और जनता की इस एक्साइटमेंट लेवल को देखते हुए मेकर्स इसका दूसरा पोस्टर रिलीज करने जा रहे हैं और साथ ही ट्रेलर भी। अब पहला पोस्टर इतना छा गया तो जाहिर सी बात है कि सेकंड पोस्टर देखने के लिए जनता कितना बेताब रहेगी, स्पेशली मैं, आप लोगों का पता नहीं। लाइगर के जरिए विजय देवरकोंडा की कोशिश केवल साउथ की नहीं बल्कि देश भर में जादू चलाने की है। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है। फिल्म में उनके अलावा अनन्या पांडे भी नजर आने वाली है। फिल्म में दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। इस फिल्म का निर्देशन जगन्नाथ पुरी ने किया है। इससे पहले वह कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। विजय देवरकोंडा साउथ सिनेमा का बड़ा नाम है। फिल्म अर्जुन रेड्डी की वजह से सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से विजय को ढेर सारा प्यार मिला और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। विजय अब तक कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। गीता गोविंदम, महानदी और टैक्सी वाला जैसी हिट फिल्मों में बतौर लीड एक्टर में काम कर चुके हैं। फिल्म लाइगर को देखने के लिए फैंस में बेकरारी बढ़ गई है, इसलिए फिल्म में उनका एक्शन लुक देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसी बीच विजय देवरकोंडा की लाइगर के ट्रेलर को लेकर कई नए अपडेट सामने आए, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस अपडेट को सुनते ही फैंस काफी ज्यादा खुश है। सो गाइस, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू। सारा अली खान ने क्यों किया विजय को प्रपोज? फिल्म की बीटीएस वीडियो से कैसे हुए फैंस हैरान? हेलो दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जब से लाइगर फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है तब से बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां विजय देवरकोंडा की फैन हो गई हैं और ये चीज साफ साफ सोशल मीडिया पर विजय के पोस्ट पे यानी कि कमेंट सेक्शन में देखा जा सकता है। साथ ही कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने विजय का पोस्टर अपने इंस्टा स्टोरी पर लगाकर विजय को ढेर सारा प्यार और तारीफ भी की। उन्हीं में से एक है सारा अली खान जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई रहती हैं। वैसे तो सारा के क्रश का कोई ठिकाना नहीं है, वक्त वक्त पर सारा को किसी न किसी पर क्रश आ ही जाता है। कुछ दिनों पहले ही सारा कार्तिक आर्यन को पसंद करती थी और अब हाल ही में सारा के न्यू क्रश विजय बन चुके हैं। हाल ही में कॉफी विद करण के सीजन 7 में जब करण ने सारा से पूछा कि वह किस एक्टर को डेट करना चाहेंगी तो पहले तो वह इसका जवाब देने से मना कर देती है, लेकिन बाद में साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा का नाम लेती है। सारा के इस कबूलनामे का जवाब विजय ने अपने इंस्टा हैंडल के जरिए दिया है। विजय ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कॉफी विद करण 7 का ये प्रोमो शेयर करते हुए लिखा,
आई लव जिस अंदाज में सारा अली खान आपने देवकोंडा कहा, ये बहुत क्यूट है, मैं आपको एक बड़ा हग और प्यार भेजता हूँ। इसके साथ ही एक्टर ने जानवी कपूर को भी टैग किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबकी प्यारी क्यूट एंड स्ट्रगलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे, एक्चुअली स्ट्रगल नाम हमने नहीं दिया है, उन्होंने खुद को ये स्ट्रगलर नाम दिया है। फिलहाल अभी तक अनन्या ने जितने भी फिल्म्स की है उन सभी में वो अपना शानदार परफॉर्मेंस दे चुकी है, साथ ही बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी रही है। एक्ट्रेस के पास अपनी झोली में एक रोमांचक फिल्मों की लिस्ट है जिसमें से वह मुख्य रूप से विजय देवरकोंडा के साथ लाइगर की रिलीज का इंतजार कर रही है। हाल ही में लाइगर के मेकर्स ने मच अवेटेड सॉन्ग अकड़ी पकड़ी को रिलीज किया। एनर्जेटिक डांस नंबर 1 जारी होने के तुरंत बाद फैंस ने गाने और इसमें अनन्या और विजय की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की है। कुछ घंटे पहले एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर अकड़ी पकड़ी के सेट से पर्दे के पीछे की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने कैप्शन दिया, जब आप जैसी को # अकड़ी पकड़ी के BTS भेजने के लिए कहते हैं और ये आपको मिलता है, मेरे पास इन तस्वीरों के लिए कोई वर्ड्स नहीं है लेकिन मैं वादा करती हूँ कि गाना सुपर मजेदार है। अनन्या और विजय के अलावा लाइगर में राम कृष्णन, रोनित रॉय, मकरंद देशपांडे और माइक टाइसन भी मेन लीड रोल में हैं। पूरी जगन्नाथ द्वारा डायरेक्टेड और करण अर्जुन द्वारा को प्रोड्यूस लाइगर में विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड की शुरुआत और अनन्या पांडे की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। ये 25 अगस्त को 5 भाषाओं में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सो गाइस, आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू अनन्या ने ई टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया, मैं उनसे
कहानियां जानती हो। मैं सब पर विश्वास रखती हूँ, अपनी फीलिंग्स को अंदर रखती हूँ। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम खुद को बताते हैं मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन कुछ मोमेंट्स हमेशा मेरे को याद आएंगे जरूर। मुझे लगता है कि थोड़ा रो लेना और अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनना काफी अच्छा होगा, जो आप कर सकते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि आपके सबसे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना ही सबसे अच्छा है। पूरी जगन्नाथ द्वारा अभिनीत टाइगर 26 अगस्त को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों पर रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए तो बनाएगा। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। इसी के साथ मैं सोनी कली थी, आपसे इजाजत, टाटा बाय। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू कहां से सीखा विजय देव, कौन जाने डांस सोशल मीडिया पर कैसा चलाया अनन्या ने जादू। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पे तो होगी बात आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। फिल्म लाइगर के सबसे स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स में से एक अकड़ी पकड़ी हाल ही में रिलीज हुई। इस गाने ने ऑडियंस के बीच एक अच्छी पकड़ बना ली है। आपको बता दें कि ये सॉन्ग रियलिटी में विजय देवरकोंजा का डेब्यू मार्क सॉन्ग भी है और इसे पक्का पूरी जगन फैशन ने प्रोड्यूस किया है। फैंस को उनके फेवरेट एक्टर के डांस रूटीन ने निराश कर दिया। वहीं दूसरी ओर अनन्या पांडे का ग्लैमरस लुक और बहुत पीटी और स्टनिंग लग रही है। एक स्किल्ड एक्टर होने के नाते विजय देवकोंजा अपनी फिल्मों में हमेशा अपने एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कोई ऑफिशियली डांस ट्रेनिंग नहीं मिला, यानी डांस उन्होंने कोई प्रोफेशनली नहीं सीखा है और उन्हें कभी भी कोई डांस रूटीन परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। फाइनली ऐसा लगता है कि लाइगर कीफी की डांस चैलेंज को पब्लिक कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो एक एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने अपने फैंस को अपने डे टू डे लाइफ से अपडेट करती रहती है। अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सेट की एक झलक शेयर की, जहां वो करंटली एक गाने की शूटिंग कर रही थी। 23 years old एक्ट्रेस ने एज अ कैप्शन लिखा, इट्स अ सॉन्ग शूट। एक्ट्रेस द्वारा शेयर किए गए स्नैप में वो अपनी फिल्म गहराइयां के को एक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी में मिनी फैंस के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा, हमारे बहुत सारे फैंस हैं। अनन्या ने हाल ही में शॉर्ट व्हाइट ड्रेस में अपना अपकमिंग फोटो शूट भी शेयर किया। पिक्चर्स में अनन्या को पफ स्लीव वाली व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में और व्हाइट स्टिलो टॉस में पोज लेती हुई दिखाई दे रही हैं। देवकोंजा ने हाल ही में अपनी पकड़ी गाने का प्रोमो शेयर किया है। यह ट्रैक अनन्या और विजय की स्पेशल एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस में से एक है। यह गाना 10 मिलियन व्यूज और 300K से अधिक लाइक्स के साथ यूट्यूब पर एट द टॉप ट्रेंड कर रहा है। पूरी जगन्नाथ द्वारा डायरेक्टेड और करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस लाइगर में विजय देवकोंजा की बॉलीवुड में शुरुआत है। यह फिल्म 25 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित 5 भाषाओं में सिनेमा घरों पर दस्तक देने वाली है। आप लोगों को इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटमेंट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि वो आप ही के लिए बना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट अपकमिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो मिलते रहेंगे, टाटा बाय। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है।
वो होता है जो हारता है। जीतने की असली वैल्यू जानिए क्या है विजय का फिटनेस मंत्र, क्या होने वाला है फिल्म का भी थे, लेकिन फिर भी विजय ने स्पेशल ट्रेनिंग लेने का फैसला किया ताकि वो फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट मसल्स और कट को फ्लॉन्ट कर सके। इसके लिए उनकी ये स्पेशल ट्रेनिंग 21 दिनों तक चली। हेल्दी लाइफ को बनाए रखने के लिए स्टार एक सिंपल डाइट को फॉलो करते हैं अपने डाइट प्लान में। उनका मानना है कि फिट शरीर पाने के लिए किसी को ज्यादा हद तक जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय जादू तो उन छोटे बदलावों में है जो लोग सही रास्ता चूज करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। विजय तीन चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अच्छी नींद लेना, हेल्दी फूड और एक्सरसाइज करना। पिछले एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, मैं अच्छी तरह से सोता हूँ, डिसेंटली हेल्दी फूड खाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी पॉसिबल हो वर्कआउट कर लूं। अपने स्केड्यूल के बारे में, अपने स्केड्यूल के कारण ज्यादा नहीं, लेकिन मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। इसके बजाय वो शुगर वाली चीजों से दूर रहते हैं और हरी सब्जियां खाते हैं। उन्होंने कहा, मैं जितना हो सके शुगर को परहेज करता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और मैं इसलिए सबको सलाह देता हूँ कि इससे दूर रहे। बहुत सारी सब्जियां खाएं, मुझे मीट पसंद है इसलिए मैं ज्यादा मीट खाता हूँ, मुझे हेल्दी खाना पसंद है, मैं पिछले कुछ सालों से ऐसा ही बन गया हूँ। उन सभी लोगों के लिए जो यह सोच रहे हैं कि विजय देवरकोंडा अपने टोन्ड फिजिक्स को बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्कआउट का पालन करते हैं, तो आप सभी गलत है। उनका फिटनेस रूटीन, उनकी डाइट जितना ही सिंपल है, उन्होंने बताया कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो इसे फॉलो भी करते हैं खेलने के लिए। आप लोगों कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? अगर आपको कोई क्वेरी है इस फिल्म से तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर देखने को कहां मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुनिधि का लेती हूँ इजाजत, टाटा बाय। सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कैसे बनाई बॉडी विजय ने लॉकडाउन में, किसका किरदार निभा रहे हैं विजय फिल्म में, कितने साल लगे विजय को बॉडी बनाने में। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड और टॉलीवुड की जोड़ी से बनकर तैयार हो रही फिल्म लाइगर, जिसकी काफी दिनों से खूब चर्चा हो रही है, इस फिल्म को काफी हाई बजट की फिल्म माना जा रहा है, जिससे ये तो साफ हो ही गया है कि फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसके लिए फिल्म के हीरो विजय ने काफी सालों से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। सूत्रों की माने तो इस फिल्म के बॉक्सर माइक टायसन, जो कि फिल्म में विजय के कोच का किरदार अदा करते हुए दिखने वाले हैं, ये उनकी ही बायोपिक मानी जा रही है, जिसमें विजय के रोल के साथ उनका रोल भी दिखाया जाएगा। अब ये सच में ही क्या बायोपिक या फिल्म की कहानी या कुछ और है, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो लाइगर में विजय एक मुक्केबाज की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, जिसके लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहद शक्तिशाली दिखना है। फिल्म में झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक ऐसे आदमी की भूमिका निभाएंगे जो मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भाग लेता है। खबरों से हमें पता चला है कि विजय आमतौर पर एक दुबले पतले और टोड लुक को सपोर्ट करते हैं, पर इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल डाला है, इसलिए उनकी हाल ही में रिलीज पोस्टर में केवल फूलों के बुके के साथ खड़े दिख रहे हैं और लिखा है, इस फिल्म ने उनका सब कुछ छीन लिया। आपको बता दें कि विजय ने इस फिल्म की तैयारी 2020 में ही शुरू कर दी थी
और उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जर्नी तभी शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद लॉकडाउन लग गया था और सारे जिम बंद हो गए थे, जिससे उन्होंने होम वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। जबकि इतना वर्कआउट फिल्म के लिए काफी नहीं था, पर उन्होंने खुद को रोका नहीं। इसके साथ ही हमें यह भी पता चला कि लॉकडाउन में जो भी इक्विपमेंट उनके घर में होता था वो उसी से ही वर्कआउट करते थे। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि लॉकडाउन के कारण उनकी एक्सरसाइज करने की आदत खत्म ना हो जाए, जिसके लिए वो हर संभव प्रयास करते थे। वैसे फिट बॉडी उन्हें एक साल बाद चाहिए थी। हाल ही में इस फिल्म का गाना अकड़ी पकड़ी का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें अनन्या विजय की गोद में बैठे हुए दिख रही हैं और सीटी बजा रही हैं। इस पोस्टर में विजय अपने लंबे बालों को काफी अच्छे से दिखा रहे हैं और बॉक्सिंग करते समय वो बालों को बराबर सेट करते हुए दिखते हैं, जिसका स्टाइल जैकी चैन की कुछ फिल्मों से मिलता जुलता है। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। कितने दिन लगे फिल्म के पोस्टर के शूट में, कब रिलीज होगा फिल्म का पहला गाना, किसने विजय को दी है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड और टॉलीवुड की जोड़ी मिलने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म लाइगर, ये फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म के हीरो इसमें एक बॉक्सर के किरदार को निभाते हुए दिखने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है क्योंकि उन्हें लाइगर के जैसे शक्तिशाली दिखाना है। इस फिल्म का गाना अगड़ी तिगड़ी 11 जुलाई शाम 4 बजे रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म के पोस्टर में विजय एक बुके लेकर खड़े थे। आपको बता दें कि इस पोस्टर को शूट करने में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 21 दिन का समय लगा था। इस रोल के लिए जैसी बॉडी चाहिए थी उसके लिए वैसे तो विजय ने 2020 से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और उन्होंने वैसी बॉडी बना भी ली थी। इस पोस्टर के शूट के लिए उन्होंने अलग से 21 दिन की ट्रेनिंग भी ली थी, जिसके लिए ट्रेनिंग में उनके वर्कआउट स्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया गया था। फोटोशूट के लिए माइक्रो लुक देना जरूरी था, जिसमें कट और मसल्स दिखना जरूरी था। इस शूट के लिए ट्रेनिंग और वर्कआउट के साथ साथ विजय की पूरी डाइट और न्यूट्रिशंस को पूरी तरह से बदलना पड़ा था। उनके इस प्रकार के लुक के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी थी और न्यूट्रिशंस उनके गेम चेंजर बने। इस लुक के लिए बॉडी में फैट बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए था, साथ ही मांसपेशियों को पूरा दिखने के लिए कार्ब लोडिंग बहुत ही जरूरी था। जब लाइगर जैसा दिखना हो तो कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में होना बहुत ही जरूरी होता है और उसका सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि क्वांटिटी में थोड़ा भी फर्क आता है तो बॉडी में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिल्म में विजय के ट्रेनर बने कुलदीप ने बताया कि मैंने उनका डाइट चार्ट बदल दिया था, मैंने उनके कार्ब्स कम कर दिए थे और प्रोटीन्स ढेर सारा, फाइबर्स और पानी बढ़ा दिया था। इस प्रोसेस से बहुत सारे लोग वाटर कटिंग करते हैं पर मैंने नहीं किया। हमने इसकी जगह शूटिंग वाले दिन वाटर कटिंग की, वो भी 50%। अपने शरीर को ऐसा दिखाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, इसके लिए विजय ने अपनी बॉडी पर काफ़ी मेहनत की है। उनकी पर्सनैलिटी के लिए बात की जाए तो कुलदीप ने बताया कि विजय काफ़ी डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें जो भी आदेश देता वो उसे शांति से मान लेते थे और कोई भी नखरे नहीं करते थे। यदि मैं उन्हें सेट पर 2 सेट पुशअप करने को बोलता तो वो तुरंत करने लगते थे। वो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर चुके थे, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था। और उनको ट्रेनिंग देने में मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड और सेल्फ मोटिवेटेड इंसान थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको लाइगर का पोस्टर कैसा लगा? क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़। सभी सोचते हैं उसकी हीरो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। फिल्म का न्यू सॉन्ग कब होगा रिलीज? क्यों पसंद किया जा रहा है विजय और अनन्या की जोड़ी को?
नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। साउथ एक्टर विजय देवकोंडा की फिल्म लाइगर चर्चाओं में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर सामने आया था जिसे देखने के बाद फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अब फिल्म को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। खबर आई है कि विजय देवकोंडा की लाइगर का पहला गाना जल्द ही रिलीज किया जाएगा। अकड़ी पकड़ी सॉन्ग को लीजो जॉर्ज डीजे चेतस ने कंपोज किया है। ये पैपी सॉन्ग 11 जुलाई को निकलने वाला है। पोस्टर में विजय देवकोंडा रेड ब्लेजर में नजर आ रहे हैं, साथ ही अनन्या पांडे को सीटी बजाने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ बताया जा रहा है कि फिल्म का टीजर 8 जुलाई को आएगा। वही लाइगर पोस्टर की पॉपुलैरिटी ने पहले ही नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं जिसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड जमकर दिया जा रहा है। दरअसल लाइगर का पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो रहा है। हैशटैग सेक्सीएस्ट पोस्टर एवर से लेकर हैशटैग ड्रीम मैन विजय तक हैशटैग हॉटेस्ट मैन अलाइव और हैशटैग फेवरेट पोस्टर बॉय भी अपने नाम के साथ विजय का पोस्टर भारत में टॉप ट्रेंड में से शामिल हो चुका है। वही पोस्टर में देखने के बाद कई सितारों ने अपने रिएक्शन दिए हैं जिसमें जानवी, सारा, समंथा भी शामिल है। फिल्म के इस नए गाने के पोस्टर में अनन्या और विजय दोनों ही काफी क्यूट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई फीमेल एक्ट्रेस विजय का पोस्टर लुक देख कर पिघल चुकी है। कहीं ना कहीं अनन्या और विजय को अकड़ी पकड़ी सॉन्ग के पोस्टर में दोनों को साथ में देखने के बाद कई तो खुश हैं, साथ ही कई लोग जल भुन चुके होंगे दोनों को साथ में देखकर। और इनमें तमाम बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी शामिल हैं जिनका सपना था कि वो पैन इंडिया में साउथ के दिग्गजों के साथ दिखे। अनन्या से पहले ऑफर जानवी कपूर के पास गया था, हालांकि उनकी बदकिस्मत और टाइम का साथ ना दे पाना इन वजह से उन्हें फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ा और ये मौका चला गया अनन्या पांडे के पास। लाइगर के एक्टर विजय देवकोंडा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में माइक टाइसन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। लाइगर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो कि हिंदू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। लाइगर में राम किशनन, रोनित रॉय और मकरंद देशपांडे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो कि 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है, वो भी अगले साल। सो गाइस, आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। चाचा बाय, टेक केयर। विजय पर बॉलीवुड को कैसा लगा विजय का लाइगर लुक? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। फिल्म लाइगर से विजय देवकोंडा का हैरान कर देने वाला लुक सामने आ गया है। जी हाँ, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने किरदार की एक झलक दिखाई है। बता दें कि इस फिल्म में विजय देवकोंडा के अलावा अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में हैं। एक तरफ जहाँ विजय इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे भी लाइगर से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है। जारी किए गए पोस्टर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के उनके फैंस और दोस्तों ने उन पर खूब प्यार बरसाया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सारा अली खान ने उनके पोस्ट पर रिस्पांस देते हुए विजय के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसे स्मोकिंग हॉट बताया। एक्ट्रेस ने एक फायर इमोटिकॉन के साथ लिखा, रोजेस आर रेड, स्काइज आर ब्लू, हियर विजय देवकोंडा लुकिंग स्मोकिंग हॉट for you।
इससे पहले जानवी कपूर ने भी शेयर किया विजय देवकोंडा का पोस्टर और लिखा We have got a very special delivery to Bollywood and it's looking a lot like. दोस्तों पहले फिल्म में जानवी कपूर को लेने की बात की गई थी लेकिन डेट्स के चलते वो इस फिल्म को टाइम देने में कहीं पीछे रह गई और ये बाजी मार ले गई अनन्या पांडे। जानवी कपूर इस फिल्म को दिल से करना चाहती थी लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा ये फिल्म। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या अनन्या पांडे बेटर है जानवी कपूर से? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें इस टॉपिक पर। क्या अनन्या निभा पाएंगे इस किरदार को अच्छे से, आपका क्या कहना है इस पर? बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेस विजय का लुक देखकर घायल हो चुकी हैं और इसी बात पर कोई शक नहीं है कि विजय इतने हॉट है तो ऐसा लगता है कि फिल्म लाइगर के लिए आम जनता नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस ही सबसे पहले जाएंगे टिकट बुक करवाने। विजय ने कहा कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। एक परफॉर्मेंस के रूप में मेंटली एंड फिजिकली रूप से मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल था। विजय देवकोंडा को लाइफ इज ब्यूटीफुल, अर्जेंट रेडी और डियर कॉमरेड जैसी रोमांटिक तेलुगु ड्रामा में उनके काम के लिए जाना जाता है। अब विजय की पॉपुलैरिटी कहीं बाहुबली यानी प्रभास को पीछे ना छोड़ ले। और भी सारे नई अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुन भी गा लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय। बार बार नहीं मिलता है। अपना कौन है, कौन है, कौन है? कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, मेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे पांच रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं? सभी सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। विजय देवरकोंडा की फोटो शूट ने मचाया है फिल्म इंडस्ट्री में बवाल। फिल्म को हिट करवाने के लिए मेकर्स ने पार की हैं सभी हदें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस, ये बात तो आप सभी को पता ही है कि लोग साउथ मूवीज और उनके एक्टर्स को कितना पसंद करते हैं और इसलिए जब भी साउथ की कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसे हिंदी भाषा में भी जरूर रिलीज किया जाता है। अगर बात करें साउथ फिल्मों की हिंदी सिनेमा में सफलता की
तो शायद इस लिस्ट में फिल्मों के नाम बस बढ़ते ही जाएंगे, पर हम सारी फिल्में नहीं गिनवा पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम साउथ फिल्मों की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको बता दें कि आखिर क्यों आज हम टॉलीवुड की इतनी तारीफें कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आज हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार और लवर बॉय विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म लाइगर के बारे में। वैसे तो ये आपको पता ही है कि विजय देवरकोंडा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तरह धमाल मचाती हैं। अब अगर बात करें उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी की, तो इस फिल्म में ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि फैंस के दिलों पर भी राज किया है, और शायद इसलिए ही लोग विजय की आने वाली फिल्म लाइगर के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आज विजय की फिल्म लाइगर की ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिन्हें जानने के लिए एक्टर के ना जाने कितने फैंस इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइगर की, जो इसी साल रिलीज की जाएगी। दोस्तों, वैसे तो फिल्म की रिलीजिंग डेट 25 अगस्त अनाउंस की गई है। गाइस, अभी हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है, जहां विजय एक अलग अवतार में देखने को मिले हैं। जी हाँ, विजय ने काफी बोल्ड लुक में अपने फैंस को फिल्म का इंट्रो दिया है, और इसके धमाकेदार पोस्टर के साथ में। पर उनके इस लुक की जहाँ एक तरफ तारीफें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ और लोग इन्हें काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में इनके रोल को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म को हिट कराने और बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए फिल्म मेकर्स इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। पर आपको बता दें कि ना सिर्फ विजय बल्कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि फिल्म में फैंस को काफी एंटरटेनमेंट और हॉटनेस का तड़का लगता हुआ दिखने वाला है। तो दोस्तों, अब आप हमें जल्दी से कमेंट्स बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है, साथ ही आप लाइगर फिल्म देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और साथ ही दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं श्रेया पांडे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम, द मोमेंट यू ऑल बीन वेटिंग फॉर, इंट्रोड्यूसिंग द बॉय फ्रॉम इंडिया, the slum dog of the streets of Mumbai, the Chai Wala Liger. Real life romance bana real life. Vijay Ananya next power couple. Dinner date pe dikhe Vijay Ananya. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, जब सेट पर किसी की आंखें मिल जाती है अपनी को-स्टार से, और वो दे जाती है एक ऐसी कहानी जो बना देती है उन दोनों एक्टर्स की किस्मत। जहां हाल ही में हमने देखा ब्रह्मास्त्र फिल्म का ट्रेलर, जिससे रणबीर और आलिया के बीच बढ़ी थी नजदीकियां, वहीं आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े पावर कपल में से एक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी एक एड के सेट पर ही मिले, और इन सब की प्रेम कहानियां शुरू हुई थी शूटिंग के दौरान। आपको बता दें कि इसी लिस्ट में लगता है कि एक और कपल का नाम जुड़ने वाला है, जो कि होगा पैन इंडिया लेवल पर सबसे बड़ा पावर कपल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे जो कि बॉलीवुड में अपना कदम रख चुकी हैं, और विजय देवरकोंडा जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, अब हमें हाल ही में देखने को मिलेंगे उनकी पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म लाइगर में। आपको बता दें कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, और इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है, और ये फिल्म हमें 25 अगस्त को देखने को मिलेगी। इस समय फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशंस का काम चल रहा है, लेकिन ऐसे में लगता है कि विजय और अनन्या तो किसी और ही चीज में बिजी है। जी हाँ, हाल ही में हमने देखा कि इन दोनों को एक डिनर डेट से बाहर आते हुए और इनकी कई पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और इसके बाद सबके मन में एक ही सवाल उठा है कि क्या रियल लाइफ का रोमांस बन चुका है रियल लाइफ का रोमांस। विजय देवरकोंडा जो अपने जलवों के लिए मशहूर है, क्या उन्होंने जीता है हमारी बॉलीवुड की क्वीन अनन्या पांडे का दिल, या लाइगर के सेट पर उभरा इन दोनों के बीच में एक ऐसा प्यार जो बनाएगा इन्हें अगला पावर कपल। ये सब देखने के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, लेकिन जब से इनकी ये तस्वीरें वायरल हुई है, तब से फैंस लाइगर फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे में क्या ये फिल्म जीतेगी ऑडियंस का दिल, और क्या सही में आ चुका है अनन्या का दिल विजय पर, ये सब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा वेट। आपको बता दें कि लाइगर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था, और ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगलीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत।
तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर गर्ल फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लड़कियों ने स्टार्स के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए अपना सरनेम भी बदल डाला।
यानी अपने नाम के बाद देवकोंडा लिख डाला। विजय 25 अगस्त से अपनी मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे के साथ पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में एक एमएम कलाकार की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लेटेस्ट खबर बता दें कि जब पोस्टर जारी किया गया था तब कई यूजर्स ने सोचा कि पोस्टर को न्यूड बनाने का आइडिया करण जौहर का था क्योंकि वो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हालांकि हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टर को विजय की पसंद के हिसाब से बनाया गया था और रिपोर्ट्स के द्वारा ये पता चला कि ये आइडिया विजय का ही था ना कि करण जौहर का। वह चाहते थे कि पहला पोस्टर आई कैची हो ताकि ऑडियंस जल्द से जल्द इसे कैच कर पाए और इसे ढेर सारा प्यार मिले। विजय अपने बॉलीवुड डेब्यू में धूम मचाना चाहते थे। उन्होंने लाइगर को बढ़ावा देने के लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। विजय के पोस्टर के लिए कई ट्रोल करण जौहर और निर्देशक पूरी जगन्नाथ को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन असल में लाइगर के पोस्टर के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय ने ही उठाई थी। 2017 की फिल्म अर्जुन रेड्डी के बाद से विजय देवरकोंडा एक पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। भले ही फिल्म ने बहुत सारे विवाद पैदा कर दिए, लेकिन कई लोगों ने फिल्म में विजय देवरकोंडा के रोल से इम्प्रेस होकर काफी प्यार दिखाया है। लाइगर के लिए विजय पिछले एक साल से ज्यादा समय से फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को इस फिल्म के लिए कितनी एक्साइटमेंट है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड ग्रैंड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय।